हेलो
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दो तीन अनाउंसमेंट्स करनी है। आज क्लास अभी स्ट्रेंथ सिर्फ 25 हुए हैं, अभी ऐड हो रही हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने आप लोगों के साथ एक दो तीन एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनाउंसमेंट्स शेयर करनी है। सेकंड ये कि बेसिकली ना जो आपको लॉग बुक्स मैंने प्रोवाइड की है ना वो आप लोगों ने फिल करनी है, ठीक है, और उसको मुझे सबमिट करवाना है टिल 30 जून तक। ये डेडलाइन है बच्चों, 30 जून का टाइम है आप लोगों के पास। आपने अपनी लॉग बुक्स 30 जून से पहले ही आपका लेक्चर्स, तो मैंने ये दो तीन लेक्चर्स में ये सारे वाइंड अप कर दूंगी, ठीक है। ये वाइंड अप हो जाएगा हमारा ना ऑलमोस्ट सारा सिलेबस। उसके बाद 30 जून तक आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि जुलाई में आपके वाइवास मतलब उनकी डेट शीट आ गई है। तो जुलाई में आपके वाइवास हैं, तो जून में टिल 30 जून की डेट मुझे दी गई है फैकल्टी की तरफ से कि वो आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ कि 30 जून तक आप लोगों के पास टाइम है। आप लोगों ने अपनी लॉग बुक्स, यानी जो मैंने आप लोगों को क्लिनिकल लॉग बुक SCP-2 का कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया ना, जो लॉग बुक फॉर्मेट की उस पे ड्राइव पे भी शेयर किया, आई थिंक मैंने आपको जीमेल पे भी शेयर किया था, वो आप लोगों ने सारी जो लॉग बुक है उसमें जो जो स्पेसेस फ्री हैं, लाइक जहाँ डेफिनेशन लिखनी है, लास्ट पे जो पेशेंट इवेल्युएशन पर फॉर्मास हैं, वो सारा मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि कैसे आप लोगों ने केसेस को वहां पे लिखना है, ठीक है, प्रेजेंट करना है वहां पर, वो हम सारा एक दिन गाइडलाइन सारी देख लेंगे, ठीक है। और लेक्चर्स जहां तक आप लोगों के कंसर्न है, तो मैंने आज और इससे नेक्स्ट वाला लेक्चर, इसमें मैं आप लोगों के ये सारे लेक्चर्स कवर अप करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग, क्योंकि बेसिकली जो आपकी SCP कोर्स आउटलाइंस है ना, उसकी जो बेसिक असेसमेंट है ना बच्चों, उसमें 70% आपका फाइनल एग्जाम है और 30% आपकी ये सेशनल असेसमेंट है, ठीक है। ये 30% में से बच्चों 10% आप लोगों की अटेंडेंस है और बाकी जो 20% है ना वो आपकी केस प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट वो मुझे एक प्रेजेंटेशन देगा। अब उस प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट, वो प्रेजेंटेशन कैसे होगी, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ कल तक शेयर कर लूंगी कि अब हम इस तरह दो तीन उसके मेथड्स हैं। एक्चुअली इस क्लास की स्ट्रेंथ 141 स्टूडेंट्स हैं, तो 141 स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में अगर मैं डिवाइड करूं तो ऑलमोस्ट अगर 20 स्टूडेंट्स की एक जूम सेशन के अंदर प्रेजेंटेशन ली जाए 5-5 का ग्रुप बनाकर, तो ऑलमोस्ट मेरे पास 4 प्रेजेंटेशन हो जाएंगे एक लेक्चर के अंदर। तो 20 और 20, यानी मुझे एक दिन में 40 स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे तो कोई इश्यू नहीं है आप लोगों की प्रेजेंटेशन कंडक्ट करने में ऐसे, क्या, लेकिन प्रॉब्लम आएगा आप लोगों के बाकी उसमें स्केड्यूल में। हो सकता है जिस टाइम मैं अगर सुबह के टाइम एक स्केड्यूल अरेंज करूं जिसमें मैं कुछ 20 स्टूडेंट्स की रखूं, तो उस टाइम किसी और स्टूडेंट की क्लास ना हो, ठीक है। अब ये वाला टाइम तो हम अवेल करेंगे, अपने लेक्चर का टाइम तो हम प्रेजेंटेशन में अवेल करेंगे, लेकिन जो एक और क्लास हमने लेनी है उसके लिए मुझे सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा आइडिया दे दें कि अगर वो मंडे को या फिर थर्सडे को या किस टाइम के अंदर, किस डे के अंदर उनका, आप लोग सबका एक म्यूचुअल मतलब आप लोग उससे कर लें कि कोई एक दिन मुझे बता दें जिस दिन हम एक क्लास अरेंज कर लें, ठीक है, और उसमें हम जो प्रेजेंटेशन होगी रिमेनिंग स्टूडेंट्स की वो हम रख लें, क्योंकि बच्चों ये 20% मार्क्स हैं और मैं चाह रही हूँ कि ये जो बैच मुझे मिला है एटलीस्ट उसको हर एक चीज आती हो और उसके ये 30% मार्क्स कहीं ना जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा आप लोगों की अटेंडेंस ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर में भी ठीक थी, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं ज्वाइन किया, अभी तक 53-54 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, तो होपफुली बाकी सारे ज्वाइन कर लेंगे क्लास को। तो अटेंडेंस तो 10% है, लेकिन 20% का ये जो केस प्रेजेंटेशन है वो मेरी तरफ से पूरी ये आप लोगों को श्योरिटी कि अगर आप वो 20% ले लेते हो तो 20+10=30 तो आपके यही फाइनल एग्जाम्स के लिए सिक्योर हो जाते हैं। बाकी 70% में से आपका बच्चों 35% जो है ना क्लिनिकल लॉग बुक है जो आपने मुझे ही सबमिट करवानी है। इट मीन्स कि ये जो लेक्चर्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ ना, इन्हें बहुत ध्यान से सुने, केयरफुली एक एक चीज को समझना है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है,
बिल्कुल भी ये चीजें जो है ना वो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने भी हैंड रेस किया है वो अभी विद इन 2 मिनट्स मैं करती हूँ आपसे, लेकिन अभी मैं जरा बात ये कंप्लीट कर लूँ बच्चे कि अब तक जो हमने सारी चीजें पढ़ी हैं और की हैं और इससे आगे विद इन 2 लेक्चर्स ना मैंने ये कंप्लीट करवा देना है सारा सिलेबस, ठीक है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और मैंने आप लोगों की प्रेजेंटेशंस भी लेनी है और प्रेजेंटेशंस के साथ आपने लॉग बुक्स भी बनानी है। उसका सारा फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे लिखनी है, ठीक है। उसमें किसी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें नहीं पता और जल्दी जल्दी, लेकिन उसके लिए आज ही आप लोग क्या करें कि अपनी जो लॉग बुक्स है ना उनके प्रिंटआउट्स निकलवा लें, उनके प्रिंटआउट्स निकलवा के उसकी एक बाइंडिंग कॉपी बनवा लें, ठीक है। जैसे आप लोगों के से पहले स्टूडेंट्स ने भी इसी तरह किया हुआ है, तो उसकी एक बाइंडिंग कॉपी बना के उस लॉग बुक को फिल करना शुरू कर दें। इन केस के अगर कैंपस फिजिकली अलाउ करता है एससीपी के स्टूडेंट्स को कि वो लॉग बुक सबमिट करवाएं, तो आप लोगों के पास 30 जून तक वो सारी लॉग बुक्स फिल हो जाएंगी और आप लोग आके सबमिट करवा दोगे फाइनल वाइवा से पहले पहले, ठीक है। और मैं फाइनल वाइवा में जब उसके मार्क्स लगाऊंगी तो उसको चेक करके लगाऊंगी ना, लेकिन आप लोगों की तरफ से वो काम कंप्लीट होना चाहिए इसी मंथ। और अगर फॉर एग्जांपल फैकल्टी की तरफ से ये मैसेज आता है कि वो लॉग बुक्स आपकी मतलब फिजिकली नहीं सबमिट होंगी, आपकी ऑनलाइन असेसमेंट्स में जाएगी, तो सारे बच्चे अपनी लॉग बुक्स की पिक्चर स्कैन करके ना हर पेज की एक डॉक्यूमेंट फाइल बना के वो मुझे भेजेंगे, मैं वो डॉक्यूमेंट फाइल चेक करूँगी। तो दोनों चीजें तभी पॉसिबल है अगर आप अपनी लॉग बुक का एक प्रिंटआउट निकालो, उसको बाइंडिंग करा लो, ठीक है। लॉग बुक का फ्रंट पेज पे हर किसी का नेम, उसका जो भी नंबर है और उसका कोर्स आउटर में सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है, वो आपने सारी मेंशन करनी है। तो हर बच्चा अपनी एक लॉग बुक बना ले, इसका जो मैंने आप लोगों को लॉग बुक सेंड किया ना उसी का प्रिंट आउट लेना है और उसको बाइंड करवा लेना। बाइंड करवाने के बाद आप लोग उसको फिल करना शुरू करो, जो चीजें मैंने सारी पढ़ा दी और आज मैं जो पढ़ाने लग गई और इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ाऊंगी सारी चीजें आपकी ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा ये लॉग बुक का काम साथ साथ चलता रहेगा। आपका 30 जून तक का टाइम है मुझे सबमिट करवाने का, ठीक है। अब वो डिसाइड हो जाएगा विद इन 2 to 3 days में कि वो लॉग बुक्स आपकी डिपार्टमेंट में सबमिट होंगी या फिर वो आप जो लॉग बुक्स आपने मतलब फिल की होंगी वो आप मुझे ऑनलाइन पीडीएफ की फॉर्म में करवाएंगे। वो तभी पीडीएफ की फॉर्म में मुझे करवा सकेंगे ना अगर आप लोगों ने अपनी लॉग बुक्स पे सारा कुछ मेंशन किया होगा, तभी तो पिक्चर स्कैन करके मुझे भेजेंगे कि हमारी ये पीडीएफ फाइल है। हर स्टूडेंट मुझे अपनी पीडीएफ फाइल भेजेगा, मैं हर किसी की लॉग बुक फिर चेक करूंगी और उसकी असेसमेंट के मार्क्स एंटर करूंगी उसकी शीट के अंदर, ठीक है। तो ये फर्स्ट अनाउंसमेंट थी आज की क्लास की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थी कि आपने अपनी लॉग बुक्स, अभी जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया उनके लिए दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि लॉग बुक्स बच्चों आप लोगों ने बनानी है, टिल 30 जून तक आप लोगों के पास टाइम है। जो मैंने आप लोगों को लॉग बुक सेंड की है उनका प्रिंट आउट ले, उनकी उनको बाइंड करवाएं। जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि होम टास्क में कुछ डेफिनेशंस हैं और मैंने आप लोगों की आसानी के लिए प्रेजेंटेशन में वो चीजें डाल दी हैं, तो बच्चे वहां से याद करके, लेकिन उस वहां से देख कर नहीं लिखना, याद करके भी आप लोग वहां पे सारी डेफिनेशन लिख सकते हो, क्योंकि बहुत इजी आप लोगों के लिए काम करती है। और आज के लेक्चर में भी मैंने मैक्सिमम ये कोशिश की है कि बुक को मैं आज मैंने बुक का भी जो पीडीएफ है तो मैं आप लोगों के साथ अभी थोड़ी देर पहले शेयर की है और वो बुक ही आज मैं बेसिकली आप लोगों को बुक से सारा पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोगों ने जो फाइनल वाइवा की तैयारी करनी है ना अपने टॉपिक की वो बुक से ही करनी है और बुक से ही डीन और बाकी सारे टीचर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इवन मैं भी पूछूंगी तो बुक से ही पूछूंगी, जो लॉग बुक में क्वेश्चन है वो भी, और प्रेजेंटेशन में एडिशनल मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर्स ऐड की हैं ताकि आप लोगों को नेट से कुछ चीज कोई चीज बच्चे मैं भी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करती हूँ। 2 मिनट मुझे सर अपनी बात को वाइंड अप करने दें। बाकी जो आप लोगों के लिए मैंने नेट से जो पिक्चर्स ऐड की हैं वो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए ऐड की है कि टाइम कम है, ताकि स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन खोलें पिक्चर्स देखें, उन्हें नेट से फाइंड आउट ना करना पड़े कि ये टर्म की ये पिक्चर थी या इस तरह ये कोई भी मतलब अगर साइन है तो या साइनोसिस है या पेलर है वो क्या होता है, मतलब उसको देखना पड़े। तो आप लोगों के टाइम को सेव करने के लिए मैंने प्रेजेंटेशन में आज भी पिक्चर्स ऐड कर दी है, ठीक है।
और सेकंड अनाउंसमेंट, फर्स्ट लॉगबुक सबमिशन की अनाउंसमेंट थी, सेकंड बच्चों अनाउंसमेंट ये है कि प्रेजेंटेशंस कंडक्ट होंगी सारी क्लास की, हर स्टूडेंट देगा, ठीक है। अब उसका फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ कल तक शेयर कर दूँ, ठीक है। हो सकता है कि मैं ग्रुप्स की फॉर्म में कर दूँ, ठीक है, या फिर हो सकता है कि मैं हर बच्चे को कह दूँ कि वो 5 मिनट्स की एक वीडियो बनाकर, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन की, जिसमें वो बच्चा खुद ही बोल रहा हो कि ये टॉपिक जो मैं उसको टॉपिक असाइन करूंगी उसी पे वो वीडियो बनाएगा, ठीक है, और वो वीडियो फिर मेरे साथ वो शेयर कर देगा हर स्टूडेंट, ठीक है। या इस तरह एक फॉर्मेट है, या फिर ये वो कल तक कन्फर्म हो जाएगा, कल तक मैं आप लोगों को एक मेल कर दूंगी। और अगर मुझे आप लोगों की प्रेजेंटेशन जूम पे कंडक्ट करनी है तो उसके लिए मुझे क्लासेस एडिशनल चाहिए, बिकॉज आपकी 141 स्ट्रेंथ है, और अगर मैं 40 स्टूडेंट्स इन ईच डे, मतलब हम लोग करते हैं, तो ऑलमोस्ट अगर मैं 5 मिनट भी हर बच्चे को दूं, ठीक है, तो 20 मिनट्स में 5 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 4 to 5 स्टूडेंट्स अगर 25 मिनट्स में भी हो जाते हैं, तो नेक्स्ट 25 और नेक्स्ट 25 और नेक्स्ट 25, तो मतलब ऑलमोस्ट भी हमारा 1 आवर और 30-45 का वो सेशन कम्प्लीट हो जाता है जूम का, ठीक है, जिसमें हम एक प्रेजेंटेशन 20 स्टूडेंट्स की सिर्फ कंडक्ट कर सकते हैं 5-5 मिनट्स का टाइम देके हर बच्चे को, क्योंकि प्रेजेंटेशन की असेसमेंट हर स्टूडेंट की है, ग्रुप वाइज नहीं होगी। हाँ, एक ग्रुप को एक टॉपिक असाइन किया जाएगा, लेकिन वो ग्रुप फिर खुद 5 स्टूडेंट्स अगर होंगे तो वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि हमने इतनी स्लाइड्स पढ़नी है, इतनी स्लाइड्स मैंने करनी है और इतनी नेक्स्ट ने करनी है। मेरी इवेल्युएशन उस एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पे ही होगी, ठीक है, तो टॉपिक मैं आपको असाइन करूंगी। अब इन दोनों में से फैकल्टी की तरफ से कल तक कन्फर्म हो जाएगा कि कौन सा मेथड आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि हर बच्चा अपनी वीडियो बनाकर मुझे सेंड करे, ठीक है, और बच्चों एक से दूसरे बच्चे का, यानी अगर एक टॉपिक मैंने किसी और बच्चे को भी असाइन किया है, ठीक है, तो उसमें ये भी हो सकता है कि उनका बिल्कुल प्रेजेंटेशन सेम ना हो, कुछ डिफरेंसेस के पॉइंट्स हो, तो ये चीज भी नोट की जाएगी, ठीक है। हाँ, अब स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। पहले मैंने यही बोलना था, ये जो आप कह रही थी कि खुद से ये रिकॉर्ड करके आप लोग सबमिट करवा दें, ये यानी कि यही होता आ रहा है, पिछली बार भी यही हुआ था एसीपी 1 में। और दूसरी चीज ये कि जो एसीपी की लॉग बुक्स हमने सबमिट करवानी है आपको, उसमें हमने वो 5 डिजीज या 5 केसेस ही आपको देने हैं, यानी कि फिल करके, या आप खुद से बताएंगे? वो 5 केसेस ही आप लोग दोगे, उसमें से ऐसा होगा कि 2 से 3 केसेस ना मैं आप लोगों को बता दूंगी, वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस चीज को, कि वो 5 में से ना 2 से 3 केसेस मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है, कि ये केसेस हैं और इस तरह ना इनकी हिस्ट्रीज लिखनी है, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ ना नेक्स्ट लेक्चर में ना शेयर कर दूंगी, ठीक है, कि आप लोगों ने इस तरह मैम जो बाकी की मतलब जो बाकी डिजीज है वो भी आप हमें बताएंगी या हम खुद से मतलब हिस्ट्री ले बनाएंगे? जो इसकी इस वाले लॉग बुक के अंदर आएंगी ना, अब आपने क्योंकि आप एसीपी 2 पढ़ रहे हो, तो जो एसीपी 2 के अंदर कॉन्टेंट आ रहा है ना, मतलब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड आ रही है ना चीजें, कि आपने पेशेंट में अनिमिया चेक करना है, तो आपने जब उसकी हिस्ट्री लास्ट पे परफॉर्मा लिखना है ना, तो आपने इन्हीं चीजों से रिलेटेड लिखना है। जब हम आप जो उसकी बात कर रहे हो ना कि केस स्पेसिफिक अगर मैं दूं मतलब किसी चीज पे, तो मैं इसी से रिलेटेड दूंगी, लाइक अनिमिक पेशेंट है या वो साइनोटिक है, साइनोसिस हुआ हुआ है, तो हम अपने टॉपिक से ही रेलिवेंट रहेंगे, लेकिन हम बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे टॉपिक में से ही हमारी सारी जो इवेल्युएशन है ना, असेसमेंट, वो सारी हमारी टॉपिक में से ही हो, उससे बाहर ना हम जाए, ठीक है। मैम पूछने का मतलब ये कि मतलब जो भी वो होंगी डिजीजेस वो स्पेसिफिक आप हमें देंगी ना बेटा? डिजीजेस का मतलब ये है कि मैंने अभी बताया कि अगर 5 है ना, तो उनमें से 2 से 3 मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कि ये वाली कुछ बच्चे लिख लेंगे, यानी कि मतलब ये इस पे आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, मैं एक आइडिया दूंगी, बाकी जो 2 होंगी ना वो हर स्टूडेंट अपनी अपनी बनाएगा, लेकिन मुझे 2 स्टूडेंट्स अपनी अपनी बनाएंगे, उसमें आपको रेलिवेंट टू द अपने अपनी एसीपी 2 को ही रेलिवेंट में अपने जहन में रखना है कि हमने ये चीजें पढ़ी हैं, तो इससे रेलिवेंट ही हमने रहना। लाइक हम इसमें कोई सीएनएस की नहीं ऐड कर सकते, हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी की कोई ऐड नहीं करेंगे, हम सीवीएस की नहीं ऐड कर सकते, हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे थे
तो हमने उसी की लॉग बुक बनाई और उसी से रेलिवेंट हमने इवैल्यूएशन परफॉर्मा ऐड करना, ठीक है, समझ आ रही है कि लाइक एनीमिया पेशेंट का तो उससे हिस्ट्री बन सकती है, वो साइनोसिस थी तो उससे रेलिवेंट, जॉन्डेंस सबसे बड़ा केस तो हमारा इसमें जॉन्डेंस का आ रहा है, ठीक है, और जॉन्डेंस बहुत बड़ा डायग्नोसिस इटसेल्फ है, जॉन्डेंस आ रहा है ना, हमने जॉन्डेंस पढ़ी थी तो ये उसमें जॉन्डेंस भी आ सकता है। इसके अलावा मैं अभी आगे आगे बताती हूँ कि ये जो नोड्स वगैरह आरए में बनते हैं तो आरए भी हमारा इधर आ सकता है, ठीक है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। तो इस तरह की कुछ चीजें, मतलब कुछ केसेस मैं आप लोगों को बताऊंगी और बाकी दो केसेस हर बच्चा अपने अपने खुद लिखेगा ताकि थोड़ा सा डिफरेंस भी हो जाए, ठीक है, कुछ मैं आइडिया दे दूंगी, कुछ आप लोगों की उसमें मतलब आ जाएगी, आप लोग फिर वो लॉग बुक्स कम्प्लीट करके फिर वो आप लोग मुझे सबमिट कराओगे, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि आप लोगों ने वो लॉग बुक्स कैसे सबमिट करवानी है, मीन्स के वो फिजिकली आप लोगों ने आके अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करवानी है या फिर आपने वो लॉग बुक्स मतलब ऑनलाइन मुझे सबमिट करवानी है असेसमेंट के फॉर्म में। मैम सेकंड थिंग ये है कि इससे बहुत टाइम लग जाता है और हर किसी किसी बच्चे ने ऐसे यानी कि ना सेटिस्फाई नहीं होना, किसी ने कहना मेरी इस टाइम क्लास है, मेरी इस टाइम क्लास है, तो जो भी यानी कि टीचर ने किसी ने भी ऑनलाइन में प्रेजेंटेशन ली है ना तो उसने उन्होंने जूम पे रिकॉर्ड करके तो गूगल फॉर्म पे यानी कि सबमिट करवाई है बच्चों ने। और दूसरी एससीपी की लॉग बुक लास्ट टाइम भी जिन्होंने यानी कि मेल करनी थी उन्होंने मेल कर दी थी पीडीएफ, और जिन्होंने बाय हैंड देनी थी उन्होंने बाय हैंड दे दी थी। ओके ठीक है, यस मैम, ऐसे इजी है हमारे लिए भी करना। आप लोग ये चाह रही हैं कि आप लोगों को मैं टॉपिक से साइन कर दूं और आप लोग उस पे एक वीडियो बना के और वो मुझे शेयर कर दें और मतलब सोलो कहेंगे तो हम वैसे भी बना देंगे। यस मैम, और ग्रुप आप मैं थोड़ा सा ये चाह रही थी कि आप लोगों के साथ अगर ये फॉर्मेट भी मैं रिकमेंड कर दूंगी कल ये बात के स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा उनको इजी है करना तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि आप लोग मेडिसिन और बाकी सारी चीजों के भी बच्चे इसी तरह कर रहे हैं बाकी सारी क्लासेस, तो ये इजी है बच्चों के लिए ना, और इतने ज्यादा बच्चों का कंडक्ट करना थोड़ा सा मेरे लिए भी होगा कि क्लासेस का स्केड्यूल नहीं हमें पता होता, डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट क्लासेस होती हैं तो वो मैनेज करना हो जाएगा, लेकिन उसमें ये होगा कि फिर हमारे जो लास्ट लेक्चर्स होंगे ना इसके एसीपी के वो फिर हम लोग उसमें डिस्कशन किया करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक पर्पस प्रेजेंटेशन मेरा ग्रुप्स की फॉर्म में करवाने का मकसद यह था कि जब एक स्टूडेंट एक चीज को बार बार देखता है ना तो उसको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, बेशक वो उसको लर्न नहीं भी कर रहा होता ना तो कुछ ना कुछ वो प्रेजेंटेशन का जो लेक्चर होता है ना उसे वो ग्रास्प कर लेते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि हम लास्ट पे ना जो हमारे पास 2-3 days रहेंगे हम उसके ऊपर क्या करेंगे कि हम ना एक डिस्कशन लेक्चर रख लेंगे, ठीक है, उसमें मैं वो डिस्कशन लेक्चर पे कुछ स्टूडेंट्स को मतलब कह दिया करूंगी इतना वो इस टॉपिक पे ना अपनी मर्जी से वॉलंटेरली जो उन्होंने प्रिपेयर किया है वो क्लास के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह जो बाकी स्टूडेंट्स हैं मतलब सारे बच्चे जो हैं वो एक दफा जो मैंने लेक्चर में सारा पढ़ाया होगा वो ऑनलाइन भी एक दफा दोबारा रिवाइज हो जाएगा, हमारी रिविजन हो जाएगी, तो हमारे लिए ज्यादा फाइनल वाइवा के लिए ना अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि आप लोगों की कुछ प्रेजेंटेशन हो जाए, लेकिन अगर ये वाला वीडियो वाला भी है तो वो तो ईजी है क्योंकि मैं भी हर स्टूडेंट को इस तरह ज्यादा अच्छा एवेल्यूएट कर सकती हूँ कि जिसने मुझे कैसे बना के भेजी और उसका क्या टॉपिक था। यस मैम, ये वीडियोस वाला ज्यादा ठीक है, और अगर हम क्लास में प्रेजेंटेशंस देंगे भी तो हर कोई रश ही करेगा कि हमारे पास सिर्फ 5 minutes है, हम जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन दें अपनी, तो किसी को इतनी बात समझ में नहीं आएगी। यही अपना वीडियोस वाला वीडियोस वाला ही वो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर दूंगी कि कितने ग्रुप्स हैं और उनमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और मुझे किन किन स्टूडेंट्स ने किन किन टॉपिक्स पे सबमिट करानी है, उसकी भी हम एक डेडलाइन रख लेंगे कि इस डेट तक मुझे इतने स्टूडेंट्स मतलब सबमिट करवा दें वीडियोस और वो फिर मैं असेसमेंट में ना उनको ऐड कर दूंगी ना, और बाकी थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिएगा क्योंकि हमारी बाकी असेसमेंट्स भी चल रही हैं बाकी सब्जेक्ट की, ठीक है। बच्चे टाइम में मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट कल या कल तक मैं आप लोगों को ना इस चीज के बारे में ना डिटेल में सारी मेल्स कर दूंगी, ठीक है, कि आप लोगों ने कब तक सबमिट करवानी है, टाइम थोड़ा ज्यादा ही दे दूंगी तो उसमें ये होगा कि लेकिन ये आप लोगों ने
अपनी जो लॉग बुक्स है ना वो बहुत अच्छी बनानी है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो वाइवा है ना फाइनल वो जुलाई के स्टार्ट में है, तो मैं ये चाह रही थी कि लास्ट के 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर हमारी रिविजन हो जाए। हम ऐसा करेंगे कि फिर उसमें रिविजन कर लेंगे, ठीक है, और डिस्कशन कर लिया करेंगे, जो भी क्लास के क्वेश्चन होंगे वो एड कर लेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने तब तक ऑलमोस्ट लॉग बुक्स भी अपनी ऑलमोस्ट आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे लास्ट लेक्चर्स तक, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों का ठीक हो जाएगा। मैम ये गाइड कर दो कि हमारे जो एसीपी 1 की लॉग बुक थी उसमें कुछ टीचर्स ने बताया था कि आपने ये पेजेस करने हैं और ये पेजेस नहीं करने हैं, मतलब जो हमें नहीं समझ में आ रहा था या जो ऑनलाइन में नहीं हो पा रहा था वो हमने छोड़ दिए थे, तो काइंडली आप ये बताएंगे कि हम ये वाले पेजेस करेंगे या नहीं करेंगे। बच्चे कल तक ना मैं आप लोगों को सारे डिटेल में ना इसकी बता दूंगी, ठीक है। वैसे ये है कि जो आपकी 2 का लॉग बुक 2 का कंटेंट है ना वो वैसे इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसमें आपने देखा होगा कि वो एक टेम्पलेट दी हुई है, उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, टाइप्स ऑफ एडीमा जहां मेंशन किया है वो आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आए तो वो आज हम लेक्चर पढ़ते हैं ना, इस लेक्चर के लास्ट पे आप लोगों को काफी चीजें समझ आ जाएंगी कि आप लोगों ने लिखनी किस तरह है, ठीक है, क्योंकि आज टेम्पलेट है बेसिकली कि आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। मैम हमारी क्लिनिकल रोटेशन हुई नहीं दोनों सेमेस्टर्स में, तो आगे भी होगी, मतलब अभी इस सेमेस्टर की होगी या ये भी नहीं होगी? नहीं बच्चे, अब ये है कि इस सेमेस्टर की तो ऑनलाइन ही थी, ठीक है, तो उसमें तो अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है मे बी नेक्स्ट सेमेस्टर्स में, क्योंकि वो लोग मतलब चेक कर रहे हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स वगैरह को कि क्या फिजिबिलिटी है या कितने स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा अलाउड नहीं होते एट अ टाइम, ठीक है, और हमारी क्लास की स्ट्रेंथ है 141 है और बाकी भी ऑलमोस्ट क्लासेस की स्ट्रेंथ एसीपी की इतनी ही है, कुछ क्लासेस है जिनकी मतलब स्ट्रेंथ कम है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि उसको कैसे मैनेज करनी है, होपफुली इंशाल्लाह के आप लोगों की रोटेशंस हों, ठीक है। अब हम अब जो क्वेश्चंस है ना बाकी सबके वो अब हम लास्ट पे देख लेते हैं उसको, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लास्ट टाइम हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कवर अप कर लिए थे जिसमें हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को कैसे लिखते हैं, ठीक है, होता क्या है, हम पेशेंट को कैसे असेस करते हैं, ठीक है, और स्टार्ट ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का क्या प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, पेशेंट को कैसे अप्रोच करते हैं, हमने उसमें कुछ साइंस भी पढ़े थे, पैलर, साइनोसिस, जॉन्डेंस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्किन से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्टेशंस पढ़ी थी, ठीक है, जो मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है, वो मैं लास्ट पे भी पूछूंगी। और उसके बाद हमने कुछ पिगमेंटेशन डिसऑर्डर स्पेसिफिक पढ़े थे, ठीक है, एडिमा की टाइप्स पढ़ी थी, पिटिंग और नॉन पिटिंग, ठीक है। आज का जो लेक्चर है ना बच्चों उसमें हम बेसिकली नंबर 3rd पॉइंट, टेम्पलेट टू राइट आउट द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट, ये हमने पढ़ना है। जनरल फिजिकल अपेयरेंस पढ़नी है, ठीक है, वाइटल साइंस में से हम लोग पल्स, टेम्परेचर और रिस्पायरेटरी रेट को पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लड प्रेशर हमारा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, और हम हैंड्स की मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये चीजें कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फेस, माउथ और ब्लड प्रेशर। वाइटल साइंस में से मैंने थोड़ा जो मुश्किल वाला साइन था ना वो एक इस प्रेजेंटेशन में ऐड किया और एक नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में होगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड था तो उसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, और पल्स रेट बेसिकली मुश्किल था तो मैंने वो आज उसको ऐड कर दिया, और बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं ना नेक, एक्सिला, ग्रोइन एंड फीट, ये भी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सबसे पहले अपकमिंग कंटेंट हमारा जो आज का बेसिक लेक्चर है ना वो टेम्पलेट है टू राइट द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट, कि जब हमारे पास एक पेशेंट आता है तो हम बार बार कह रहे हैं कि हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, कर तो लिया है, अब उसको आपने अपनी मेडिकल इवैल्यूएशन के अंदर कैसे मेंशन करना है, कैसे लिखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो ऑल द नेसेसरी स्टेप्स, कि आप लोगों को हर एक एक चीज का पता होना चाहिए कि जब आपको एग्जामिनर कहे कि स्टूडेंट्स व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू राइट आउट द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट, आपके माइंड में तो आपके माइंड में एक एक चीज क्लियर हो, ठीक है, आप लोगों को उस वक्त सोचना ना पड़े कि इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट आना था एग्जामिनेशन के अंदर,
जब तक बच्चों आपके माइंड में चीजें क्लियर नहीं ना होंगी तब तक आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को कभी भी नहीं लिख सकते। ये चीजें आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। लाइक आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पे मैंने चीज पेशेंट की कौन सी मेंशन करनी है, उसके बाद कौन सी मेंशन करनी है, थर्ड पे कौन सी आनी है, फोर्थ पे, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। ऐसा नहीं है कि हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, हमने पेशेंट को जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में देख तो लिया, एग्जामिनेशन तो हमने कर लिया, लेकिन जब हमने उसको लिखना है ना तो हमने एक सीक्वेंस से लिखना। सीक्वेंस का मतलब ये है ना कि उसका नाम अगर आना है, नेम ऑफ द पेशेंट तो सबसे पहले आएगा, एज आएगी तो सबसे पहले आएगी, जेंडर आएगा तो सबसे पहले आएगा, डेट ऑफ एडमिशन आएगी तो सबसे पहले आएगी। ये सारी चीजें एंड पे नहीं आ सकती, ठीक है। और हमने जब एग्जामिनेशन बॉडी का स्टार्ट करना है तो मोस्टली हम आगे पढ़ेंगे, हम फेस से स्टार्ट करते हैं, हैंड्स पे आते हैं, आर्म्स पे आते हैं, वाइटल साइंस पे आते हैं, फिर हम अदर बॉडी एरियाज को कवर करते हैं। यानी हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जब हम जीपीई लिखते हैं, ये राइटिंग की बात हो रही है, ठीक है, एग्जामिनेशन करने की बात नहीं हो रही। इवन एग्जामिनेशन का प्रोटोकॉल भी यही होता है कि आपने पेशेंट को अगर एग्जामिन करना है ना, उसे कॉन्सेंट लेकर, तो आपने उसको एग्जामिन भी इसी सीक्वेंस में करना है। लाइक आप पेशेंट के सामने गए हो, और एक चीज मैंने स्टूडेंट्स को शायद फर्स्ट लेक्चर में बताई हो कि बेसिक प्रोटोकॉल बच्चों, आपके वाइवा के अंदर जो चीज सबसे पहले लिखी जाती है ना, वो आपका प्रोटोकॉल चेक किया जाता है कि व्हेन यू गो टू द पेशेंट, आप पेशेंट के किस साइड पे जाके खड़े होंगे, राइट साइड पे। हमेशा आपने पेशेंट की राइट साइड से पेशेंट को अप्रोच करना है, ये मेडिसिन का जनरल प्रोटोकॉल है, ठीक है। राइट साइड से जाके आपने उसको अप्रोच करना है, आपने पेशेंट को अपने बारे में पहले इंट्रोड्यूस करना, ताकि पेशेंट को पता चले कि ये डॉक्टर मुझे असेस करने आया है। लाइक मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जैसे मैं हूं तो मैं पेशेंट को ये बताऊंगी कि माय नेम इज सानिया मकबूल, आई एम योर डॉक्टर, विल आई इंस्पेक्ट यू और एग्जामिन यू। मैं उससे एक कंसेंट की लाइन लूंगी, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि मैम कोई भी पेशेंट हो, हम तो इस तरह नहीं करते, लेकिन वाइवा के अंदर ये सेंटेंसेस जो लाइंस होती है ना, ये नोट की जा रही होती है बेसिक, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है ना। आप किसी को इंस्पेक्शन करने लगे हो, किसी की जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करने लगे हो, उसे हिस्ट्री, इवन आप उसे हिस्ट्री भी लेने लगे हो ना, तो हिस्ट्री का जनरल प्रोटोकॉल भी देंगे कि आपने अप्रोच करना है राइट साइड से, उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है कि आप कौन हो, आप डॉक्टर हो, ठीक है। आप पेशेंट की राइट साइड पे गए, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, आपने पेशेंट से कॉन्सेंट किया कि विल आई एग्जामिन यू, क्या मैं आपका एग्जामिनेशन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्या मैं आपको इंस्पेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। आपने उसे पूछा, ऑब्वियसली पेशेंट ने कुछ नहीं कहना होता, ये तो सबको पता होता है, लेकिन ये लाइन नोट की जा रही होती है वाइवा में, और वो मार्क्स, वहां से मार्क्स डिडक्शन हो जाती है। और बच्चे कहते हैं पता नहीं हमारा वाइवा तो सारा ठीक हुआ था, हमें पता नहीं हमारे मार्क्स कहाँ मतलब कट हो गए। तो ये छोटी छोटी एथिक्स होती हैं, ये बेसिकली मेडिसिन की ना ये एथिक्स हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, जो नहीं किया जाता नॉर्मली, ठीक है। तो वाइवा में ये सारी चीजें नोट की जा रही होती हैं, ठीक है। अब आप पेशेंट की राइट साइड पे गए हो, उसे अप्रोच किया है, उसको उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाया है, उससे कंसेंट लिया है, आफ्टर टेकिंग द कंसेंट आपके पास आपके सारे टूल्स हैं, ठीक है, जो मैंने असेसमेंट टूल्स की बात की थी, आपके पास आपके सारे असेसमेंट टूल्स आपकी ड्यूरिंग वाइवा डे आपके पास होने चाहिए। SCP-2 का सबसे बड़ा जो अगर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू में मार्क्स डिडक्शन होती है ना, वो उनके टूल्स पर भी हो जाती है, कि उनके पास टूल्स ही नहीं होते असेसमेंट टूल्स। एटलीस्ट आपके पास मेन मेन असेसमेंट टूल्स तो सारे होने चाहिए, ठीक है। असेसमेंट टूल्स हो आपके पास, देन आपने जब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन या पेशेंट की हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन करना स्टार्ट किया, तो आपने एग्जामिनेशन में पेशेंट के सबसे पहले फेस को देखा, ठीक है। फेस को आपने देखा, आपने उसकी आईज को चेक किया, उसकी टंग को चेक किया, माउथ को, उसकी लिप्स को, उसकी नॉस्ट्रल्स को, आपने हर चीज को इंस्पेक्ट कर लिया, उसकी अपेयरेंस को, जनरल लुक को, पेशेंट कैसा दिख रहा है, पेल तो नहीं है, ठीक है, फटीग तो नहीं है, एग्जॉस्टेड तो नहीं है, ये सारी चीजें हम जनरल पे, अभी हम सारी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमने लेक्चर में हमने करना किस तरह होता है, और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना क्या, हमने ये सारी चीजें आज सीखनी है,
कि हमने कैसे पेशेंट को अप्रोच किया, हम कैसे कैसे हमने स्टार्ट किया अपना एग्जामिनेशन, ठीक है, आपने फेस को देख लिया, अब आपने हैंड्स को देखना है, उसके नेल्स को चेक करना है, उसकी आर्म्स को देखना है, जब आप आर्म पे आयो तो आपने पल्स रेट चेक करनी है, आपने ब्लड प्रेशर वहीं चेक कर लेना है, आपने बॉडी टेम्परेचर उसका चेक कर लेना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपके वाइटल साइंस तो यही कवर हो जाते हैं। रिस्पायरेटरी रेट आपने पेशेंट का जनरल इंस्पेक्ट कर लेते हो कि पेशेंट का रिस्पायरेटरी रेट क्या चल रहा है, अपनी वॉच पे टाइम देखकर आप उसका रिस्पायरेटरी रेट भी कैलकुलेट कर लेते हो, और वो नॉर्मली हर पेशेंट का नॉर्मली आ रहा होता है 12-16 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। तो ये सारी चीजें वन बाय वन, देन आप पेशेंट का फर्दर एग्जामिनेशन करते हो, यानी उसके एब्डोमेन की एग्जामिनेशन की, क्योंकि अब स्टेप बाय स्टेप हम बॉडी के अपर पार्ट से नीचे की तरफ मूव करेंगे, एब्डोमेन की उसकी लेग्स की टोन चेक की, उसके फीट पे चेक किया, ठीक है, उसका हर आपने रीजन इंस्पेक्ट कर लिया, ये एक सीक्वेंस है। हमने जब लिखना है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन बच्चों, तो वो भी हमने इसी सीक्वेंस में लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेम्पलेट टू राइट आउट द जीपीई ऑफ अ पेशेंट, सबसे पहले उसका नेम आता है, ठीक है, जो भी पेशेंट का नेम है वो लिखना है, उसकी एज मेंशन करनी है, उसका जेंडर मेंशन करना है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टू थिंग्स। एज बहुत सी चीजें बताती है, ठीक है, ओल्ड एज पेशेंट है उसकी कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा होंगी, ही और शी इज डायबिटिक, ही और शी इज हैविंग हाइपरटेंशन, ठीक है, उसकी और कोमॉर्बिड डिजीजेस ना हो भी सकती हैं, किडनी का कोई इशू हो सकता है, कोई मेडिकेशन हो सकता है पेशेंट, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसकी एज को डिवाइस करें। जेंडर, मेल फीमेल, स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ डिजीजेस स्पेसिफिकली मेल से रेलिवेंट है जेंडर से, कुछ फीमेल से रेलिवेंट है, लाइक कहा जाता है कि जो डायबिटीज की अब प्रेवलेंट रेशियो है ना वो फीमेल्स में ज्यादा, ठीक है, क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में ज्यादा है, ठीक है, प्रोस्टेटिक कैंसर्स मेल्स में ज्यादा है, तो ये जेंडर स्पेसिफाइड करता है स्पेसिफिक डिजीजेस को, तो हमें ये एक इंफॉर्मेशन देता है, इसीलिए हम इसको पर्सनल डाटा के अंदर सबसे पहले मेंशन करते हैं। DOA बच्चों डेट ऑफ एडमिशन, हॉस्पिटल में पेशेंट किस दिन आया है, पेशेंट अगर ओपीडी में आपको चेक करवा रहा है तो उसकी डेट क्या है, ठीक है, आपने जिस दिन उसका एग्जामिनेशन किया उस दिन से पहले आपने उसकी फाइल पढ़ी है तो उसकी डेट ऑफ एडमिशन क्या है, ये बेसिकली हॉस्पिटल सेटिंग की हम बात करें, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट चीज आ जाती है जनरल फिजिकल अपीयरेंस, तो मैंने कहा था आपने फेस की देखनी है, आप उसमें पांच चीजें देखते हो, ठीक है, अपीयरेंस, फिजिक, कॉन्शियसनेस, पोस्टर एंड एटीट्यूड। बेसिकली पोस्टर एंड एटीट्यूड एक ही चीज है, आप उसका पोस्टर देख रहे हो, जो मैं बार बार कहती हूँ उसका एग्जामिनेशन स्टार्ट तभी हो जाता है जब पेशेंट डॉक्टर फर्स्ट टाइम, या तो अगर पेशेंट कोई आपका बेडविडन है डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, ठीक है, या पेशेंट आपके पास खुद चल के आ रहा है, तो उसका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया। तो हम वन बाय वन ना हर एक चीज को पढ़ते हैं। अब इसके लिए जो है ना आपकी जो लॉग बुक है उसका भी थोड़ा सा कॉन्टेक्ट है, वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बच्चों सबके पास अपनी लॉग बुक्स हैं, बेसिकली ना ये वर्ड की फाइल जो है ना वो शेयर स्क्रीन पे नहीं शो हो रही, तो जो बच्चों अगर आप लोगों के पास अपनी लॉग बुक्स अभी हैं तो हर कोई अपने फोन में ना लॉग बुक वाला जो फोल्डर है ना वो ओपन कर ले, जो आपकी क्लिनिकल लॉग बुक है ना, ठीक है, वो ओपन कर ले, और वहां से जहाँ से जनरल फिजिकल अपीयरेंस है ना वो सेक्शन सारे ओपन कर ले।
कर लिए सबने ओपन? यस मैम। ओके चलिए, अगर ये नहीं भी है तो हम यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं आपकी बुक से। ये बच्चों आप लोगों की बेडसाइड टेक्निक्स की बुक है जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ सेंड किया था, ठीक है। अब बेसिक जैसे मैंने कहा था कि हमने स्टार्ट करना है तो हमने जनरल अपीयरेंस चेक करनी है। तो जनरल अपीयरेंस में हम बच्चे क्या देखते हैं, पेशेंट की इलनेस, कि वो वेल है, इल है या स्पेयरली इल है, ठीक है। हम बेसिक पेशेंट को जो है ना चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है पोस्टर। जनरल अपीयरेंस हमने चेक की, ठीक है। जनरल अपीयरेंस के बाद हम पोस्टर और एटीट्यूड की बात करते हैं। पेशेंट का पोस्टर और एटीट्यूड हमें उसकी इलनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लाइक जो स्पेयर हार्ट फेलियर का पेशेंट होता है ना, वो प्रॉपरली जो है ना वो मतलब सिटिंग नहीं उसकी होती, क्योंकि वो अगर उसकी डिस्निया वर्स हो जाती है ऑन लाइंग फ्लैट, इट मीन्स के वो जब लेटेगा तो उसका सांस फूलने लग जाता है। इसी तरह स्पेयर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जब पेशेंट आता है तो वो बेंडिंग फॉरवर्ड एंड सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज आर्म्स, वो अपनी आर्म्स के साथ अपनी बॉडी को सपोर्ट करता है, बिकॉज सो दैट द शोल्डर गर्डल इज फिक्स्ड एंड ही कैन यूज एक्स्ट्रा एक्सपायरेटरी मसल्स। यानी उन्होंने बताया है कि कुछ पोस्टर्स ऐसे होते हैं जिससे आप असेसमेंट लगा लेते हो कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक उन्होंने हार्ट डिजीज में बताया कि पेशेंट आपका लाइन स्पाइन, यानी स्पाइन लाइन वो नहीं ले सकता, उस पोस्टर में उसको मसला होगा। इसी तरह वो कह रहे हैं कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर पेशेंट अपनी जो आर्म्स होगा ना उसको बेंड करके अपनी बॉडी के साथ रहेगा, ठीक है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो आपका पेशेंट पेरिटोनाइटिस का पेशेंट है, ये जो आपका पेरिटोनाइटिस का पेशेंट है वो भी क्या होता है कि उसमें पेशेंट ऑफ पेरिटोनाइटिस लाइज स्टिल व्हाइल द पेशेंट विद स्पेयर कॉलिक इज रेस्टलेस, कि जो स्पेयर कॉलिक पेन के साथ पेशेंट आएगा ना वो बहुत ज्यादा मतलब उसको रेस्ट किसी पोजीशन में नहीं होती, और पेरिटोनाइटिस का पेशेंट जो है ना वो नॉर्मल, उसको कोई मसला नहीं होता। मेनिंजाइटिस के पेशेंट के अंदर नेक में भी बेंड बैकवर्ड्स, तो उसकी नेक रिट्रैक्शन रहती है, बिकॉज मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स में एक बहुत बड़ा मसला होता है कि उनकी नेक की फ्लेक्शन नहीं होती, उनके नेक के जो सारे मसल्स हैं ना वो बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ मैनिफेस्टेशन होती हैं जो हमें पोस्चर और एटीट्यूड से पता चलती हैं कि पेशेंट इज हैविंग सम प्रॉब्लम और उसको ये स्पेसिफिक डिजीज हो सकती है। इसी तरह हम बच्चों पेशेंट की कॉन्शियसनेस को चेक करते हैं। अब पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है उसको चेक करने के लिए हमने एक स्केल डिवाइस किया है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नॉर्मली हम हर पेशेंट के अंदर, क्योंकि हमारा वो पेशेंट जो हमसे बात कर रहा है, हमें अपनी हिस्ट्री बता रहा है, वो तो कॉन्शियस है ना, ठीक है, क्योंकि उसको अपनी सराउंडिंग्स का पता है और उसको हर चीज का पता है। लेकिन यहाँ पर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उस पेशेंट्स के लिए भी बताया गया है कि जो स्पीयरली इल होते हैं, लाइक वो बेडरिडन पेशेंट्स हैं या फिर वो कोमाटाइज पेशेंट्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स की असेसमेंट के लिए, या फिर वो आईसीयू में पेशेंट्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए उन्होंने एक स्केल डिवाइस किया है विच इज कॉल्ड अ ग्लास्को कोमा स्केल, ठीक है। इसको हम कहते हैं जीसीएस स्केल। अब जो जीसीएस स्केल है ना बच्चों, वो बेसिकली ये मैंने अपनी स्लाइड में ऐड किया हुआ है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए बच्चों जीसीएस स्केल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जीसीएस स्केल इज अ क्लिनिकल स्केल यूज्ड टू रिलायबली मेजर अ पर्सन्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आफ्टर अ ब्रेन इंजरी। नॉर्मली ये मैंने अभी बात की है
कि जीसीएस हम उन पेशेंट्स में करते हैं जो कोमाटाइज हो, लाइक उनको कोई स्पेयर हेडेक, हेड की इंजरी हुई हो या ब्रेन इंजरी हुई हो या वो कोमा में गए हों या सेमी कोमा स्टेट के अंदर हो, ठीक है। तो पेशेंट भी जब रिस्पॉन्ड नहीं ना कर रहा होता तब हम जीसीएस स्केल के थ्रू असेसमेंट करते हैं, ठीक है। अब जीसीएस के बच्चों तीन रिस्पॉन्सेज होते हैं, आई ओपनिंग, मोटर रिस्पॉन्स और वर्बल रिस्पॉन्स, और ये जीसीएस स्केल सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे ज्यादा बच्चों में गलत भी होता है। अब इसको केयरफुली सुनना है, इसमें कोई मसला हो तो मुझसे आपने अभी क्वेश्चन कर लेना है। अब जीसीएस स्केल का बच्चों जो इसमें मैंने कहा था थ्री रिस्पॉन्सेज हैं, आई ओपनिंग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मोटर रिस्पॉन्स एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स डी से आता है, ठीक है। अब टोटल बच्चों इसका जो स्कोर होता है ना वो 15 होता है, ठीक है, और मिनिमम 3 होता है। इट कैन नेवर बी 0, जीसीएस स्केल कभी भी 0 नहीं हो सकता। हम आगे देखते हैं कि वो क्यों 0 नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ से जो आई ओपनिंग है ना, अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये जीसीएस स्केल है, ये जो कॉलम है ना ये हर बच्चे को जुबानी याद होना चाहिए। ये आप लोग जैसे मर्जी इसको याद करो, लेकिन इसको समझ के याद करना है। इसको इसका बेस्ट तरीका समझने का ये है कि जैसे बच्चों आई ओपनिंग है ना, तो आई ओपनिंग का मतलब ये है कि E4, ठीक है, E4 आई ओपनिंग E4, आई ओपनिंग को हम कहते हैं कि ये E4 है क्योंकि इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। लाइक अगर आप पेशेंट के पास गए हो और पेशेंट ने अपनी आंखें खोल दी स्पॉन्टेनियसली, तो इट मींस कि ही इज नंबर 4, उसको आपने 4 मार्क्स दे दिए, ठीक है, 15 में से ना, अभी हमने पूरा कैलकुलेट नहीं किया जीसीएस को। आप पेशेंट के पास गए, पेशेंट अपनी आईज ओपन कर ली, इट मींस के 4। अगर पेशेंट ने आपके जाने पे आईज ओपन नहीं की लेकिन आपने कोई बात की है इन रिस्पॉन्स टू स्पीच, तो 3, ठीक है। अगर आपके बात करने पे भी और आपके जाने पे भी पेशेंट ने अपनी आईज ओपन नहीं की लेकिन आपने पेशेंट को थोड़ा सा पिंच किया, लाइक आपको इन रिस्पॉन्स टू पेन का मतलब ये कि आपने कोई स्टिमुलस दिया पेशेंट को और उसने आईज ओपन कर लिया, इट मींस के 2, ठीक है। और 1 का मतलब बच्चों ये है कि पेशेंट ने ना तो आपके पेनफुल स्टिमुलस पे, ना आपकी स्पीच पे, ना आपके वहां जाकर खड़े होने पे आईज ओपन नहीं की, इट मींस कि वो पेशेंट कोमा में जा चुके। तो आई ओपनिंग पे 1 तब देते हैं जब पेशेंट बिल्कुल भी आईज ओपन नहीं करता आपके ये तीनों स्टिमुलस देने पर, ठीक है। सेकंड आ जाता है बच्चों वर्बल रिस्पॉन्स। अब बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स 5 का मतलब ये है कि अगर आप गए हो पेशेंट के पास, आपने पेशेंट से 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, लाइक आपने पेशेंट से पूछा है कि आप इस वक्त कहाँ पे हो, उसने कहा हॉस्पिटल में हूँ, आपका नाम क्या है, उसको पता है कि मेरा नाम ये है, कि आपने पूछा टाइम क्या हो रहा है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, उसे पता है, इट मीन्स कि ही इज फुली ओरिएंटेड, ठीक है। आपने कहा कि इस पेशेंट का स्कोर 5। अब जैसे मैंने E4 कहा था ना बच्चों, इसी तरह जो V है ना, इट इज 5, ठीक है। V5 का मतलब है कि 5 स्कोर वर्बल रिस्पॉन्स के, 5 मीन्स कि ही इज ओरिएंटेड। 4 का मतलब ये कि आपने पेशेंट से बात की लेकिन पेशेंट की कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी कंफ्यूज है, ठीक है। 3 का मतलब बच्चों ये है कि पेशेंट जो है ना वो आपके साथ इनअप्रोप्रिएट स्पीच का मतलब ये है कि उसको समझ नहीं आ रही कि वो बात क्या करे, आप उससे क्वेश्चन कुछ और करें वो आपको बता कुछ और, ठीक है। इट मीन्स कि वो अपनी फुली कॉन्शियस स्टेट में नहीं है, तो उसका वर्बल रिस्पॉन्स 3 होगा, ठीक है। अगर बच्चों पेशेंट इन कॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कुछ पेशेंट्स होते हैं कि वो कुछ बोलते नहीं है लेकिन अजीब सी आवाजें निकालते हैं, ऐसे होता है समटाइम्स हम पेशेंट्स के बेड साइड पे जाए ना हॉस्पिटल्स में, तो जो बहुत सीवियरली इल पेशेंट्स होते हैं ना, कुछ आवाजें निकाल रहे होते हैं लाइक पेन की वजह से या कुछ ऐसे, जिन्हें हम मॉर्नफुल साउंड्स भी कहते हैं, तो उन पेशेंट्स का 2 होता है। और अगर पेशेंट कोई वर्बल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ठीक है, तो उसका 1। इसी तरह जो थर्ड वाला है बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। अब बच्चों अब मोटर रिस्पॉन्स में इसके टोटल 6 हैं, सो इट इज M6, ठीक है। सो अगर हम टोटल कैलकुलेट करें 6 + 5 = 11 और 4 = 15, तो टोटल स्कोर हमारा कितना हो गया,
15, ठीक है, जिसमें से हमने कहा था कि हमारा मैक्सिमम 15 है पेशेंट का और मिनिमम कितना है 3. क्लियर है यहां तक सबको? अब जो मोटर रिस्पॉन्स yes, है ma'am. उसमें क्या, ठीक है, अब जो मोटर रिस्पॉन्स है बच्चों उसमें सबसे पहले ये है कि मोटर रिस्पॉन्स का मतलब ये कि मूवमेंट. आप पेशेंट के पास गए हो, आपने पेशेंट से कहा है कि आप, फॉर एग्जांपल आपने कमांड दी है कि अपनी फिंगर्स को मूव करो, पेशेंट ने आपकी आपकी कमांड को ओबे किया, इट मींस कि 6 है, ठीक है. अगर पेशेंट ने आपकी लाइक आपने उसे कहा है कि अपनी फिंगर्स मूव करो या अपना हैंड मूव करो, तो पेशेंट आपने क्या किया कि वहां पे पेनफुल स्टिमुलस दिया, ठीक है, लेकिन पेशेंट ने आपके उस पेनफुल स्टिमुलस पे ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया, मींस कि वो बेयर कर रहा था, तो वो 5 है. अब विथड्रॉइंग टू पेन का मतलब, 4 का मतलब ये है कि आपने उसको कहा तो है कि वो मूवमेंट करे, लेकिन आपने पेनफुल स्टिमुलस जब दिया ना तो पेशेंट अपना हाथ पीछे कर दिया, तो इट मींस कि ये 4 है. अब 3 का मतलब बच्चों ये होता है कि पेशेंट ने क्या किया है कि जब आपने उसको पेनफुल स्टिमुलस दिया है, लाइक आपने उसे कहा कि अपनी थोड़ी सी फिंगर मूव करे, या आपने उसको पेनफुल स्टिमुलस दिया, जब वो आपने उसे फिंगर उसको मूवमेंट की कमांड दी थी, तो पेशेंट ने फ्लेक्सर रिस्पॉन्स का मतलब ये कि वो अपनी दोनों बाजुओं को, अपनी आर्म्स को या अपनी लेग्स को उसने क्या किए, उसने फ्लेक्शन में लेके चला गया, ठीक है, अपनी बॉडी के साथ उसने फ्लेक्स कर लिया अपने आर्म्स को, तो इट मीन्स कि ये 3 है. लेकिन अगर आपके पेनफुल स्टिमुलस देने पर उसने अपनी बॉडी को स्टिफ कर लिया, लाइक अपनी आर्म्स को या लेग्स को बिल्कुल एक्सटेंडेड पोजिशन में ले गया, एक्सटेंसर रिस्पॉन्स आ गया, तो वो 2 है. और 1 कब होगा कि जब वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करा, इट मीन्स कि वो ऐसा पेशेंट है जो कोमाटाइज है. इसलिए मैंने कहा था कि जब हम नन को भी करें ना 1 1 1 तो 3 बनता है, तो मैक्सिमम स्कोर अगर 15 है तो मिनिमम 3 है, 0 कभी नहीं होगा क्योंकि 0 पे है ही नहीं स्केल की ग्रिड. अगर आपका कोई कोमाटाइज पेशेंट भी है जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करा, वो भी 0 पे नहीं, उसका भी 3 GCS है. तो ये बात याद रखनी है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर्स ये कहते हैं कि जीसीएस स्केल 0 हो सकता है, तो आपने कहना नहीं, इट कैन नेवर बी 0, मिनिमम इट इज 3 एंड मैक्सिमम इट इज 15. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस टीचर. मैम मोटर इज वर्बल और इसमें डिफेंस 1 में किस तरह करेंगे जी बच्चे? मैम ये ई 4 मतलब आई ओपनिंग में और वर्बल में किस तरह करेंगे डिफेंस नॉन का, मतलब दोनों में 1 1 सेम हो तो? नहीं उसका इशू नहीं है, बात ये नहीं है, ये इसके 3 कंपोनेंट्स है. आई ओपनिंग में अगर 1 आ रहा है, ठीक है, तो इट मींस के पेशेंट, आप देखें ना आई ओपनिंग से ही हमें असेस हो जाता है, अगर पेशेंट ने अपनी आंखें नहीं खोली आपके स्टिमुलस देने पर भी और आपके बोलने पर भी और आपके जाके खड़े होने पर भी, तो इट मीन्स कि आपको सेस हो जाता है कि ना तो पेशेंट का आगे वर्बल रिस्पॉन्स आएगा और ना ही मोटर रिस्पॉन्स आएगा. लेकिन आप सारा प्रोटोकॉल फॉलो करोगे अगर आपको पता भी चल गया पेशेंट का, उसका इशू नहीं है कि वो 1 आ रहा है और 1 आ रहा है, वो मसला नहीं है. जो भी आ रहा है आपने वही मैंशन करना है, आपने फिर लास्ट में उसी को कैलकुलेट करना है, टोटल करना. आपने उसको जब वो मूवमेंट कर रहा था तो आपने उसको थोड़ा सा पिंच किया, तो पेशेंट ने उस स्टिमुलस पे उस मतलब पीछे नहीं किया अपना हाथ, लोकलाइज रहा वहां पे, उसी जगह पे रहा, वो वही मूवमेंट कर रहा था. इट मींस कि वो बेयर, उसके अंदर बेयरिंग कैपेसिटी है, तो वो हमारा पेशेंट मतलब उसमें हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो हेल्दी है. लेकिन 4 में क्या है कि पेशेंट आपका इतना ज्यादा एजिटेटेड होगा कि जैसे ही आप उसको करते हो ना थोड़ा सा पेन देते हो, पेनफुल है, आप उसको पिंच भी करोगे ना तो वो आप अपना हाथ आपसे पीछे लेके जाएगा, विदड्रॉ करेगा. इसका मतलब ये है, दोनों में डिफरेंस ये है. जी अक्सा. मैम फ्लेक्सर रिस्पॉन्स टू पेन इसका समझाइएगा. M6 में क्या रिस्पॉन्स? फ्लेक्सर रिस्पॉन्स में बेटा मैंने ये बताया कि जब आप उसको पेनफुल स्टिमुलस देते हो ना
तो पेशेंट क्या करता है कि अपनी दोनों आर्म्स को, अपनी दोनों बाजुओं को अपनी चेस्ट के साथ अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। तो उसने बेसिकली अपनी एल्बोज को फ्लेक्स कर लिया ना, तो वो अपनी फुल बॉडी को फ्लेक्शन में ले जाता है, इसको कहते हैं फ्लेक्सर रिस्पॉन्स, ठीक है। और अगर आपके पेनफुल स्टिमुलस पर वो फ्लेक्शन रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो अपनी एल्बो, आपने एल्बो का रेफरेंस पॉइंट देखना है कि अगर तो वो एल्बो को बेंड कर रहा है तो इट मीन्स कि फ्लेक्सर रिस्पॉन्स। अगर वो एल्बो को स्ट्रेट कर लेता है तो वो अपनी बॉडी को एक्सटेंशन में ले जाएगा, तो वो एक्सटेंसर रिस्पॉन्स है, ठीक है। सेम इसी तरह केस उसकी लेग्स के साथ, अगर अपने नीज को बेंड कर लिया तो फ्लेक्सर रिस्पॉन्स, अगर अपने नीज को हाइपर एक्सटेंड कर दिया तो इट मीन्स कि एक्सटेंसर रिस्पॉन्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम, यस मैम। ओके, अब बच्चों हम नेक्स्ट ये ओपन हो गई है। अब यहां से थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि जब हम ये वर्ड फाइल ओपन हो गई है, ये भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर देती हूँ कि जनरल फिजिकल अपेयरेंस में ये बहुत इजी पॉइंट्स हैं, ये सब स्टूडेंट सिर्फ सुन ले, इन्हें एक दफा रीड आउट कर लेंगे ना तो आपको असेसमेंट का पता चल जाएगा। अब जनरल फिजिकल अपेयरेंस में बच्चों सबसे पहले हम लुक देखते हैं कि पेशेंट यंग है या ओल्ड है, ठीक है, हेल्दी है, सिक है, ठीक है, हमें उसकी लुक से पता चल जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन में लाइक कुछ डिजीजेस हैं, लाइक पार्किंसंस में पॉवर्टी ऑफ एक्सप्रेशन होगा, हाइपरथायरॉइडिज्म में स्टार्टल्ड एक्सप्रेशन होगा, डिप्रेशन के पेशेंट बहुत एजिटेटेड, एपैथी, पुअर आई कॉन्टेक्ट आपको देगा, हाइपोथायरॉइडिज्म का पेशेंट एपैथी के साथ विद पेल एंड पफी स्किन होगी, ठीक है, उसका एक मेन फीचर है कि पफीनेस स्किन में आ जाती है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के अंदर पेशेंट की ल्यूकुबेरियस एक्सप्रेशन विद बायोलेटरल टॉसिस, टॉसिस इज वन ऑफ द बेस्ट साइन जिससे पता चलता है कि पेशेंट को कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है। और एंजाइटी, हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोमेनिया, इसमें पेशेंट की एजिटेटेड एक्सप्रेशन होती है। बताने का मकसद इस पॉइंट का ये है कि आप पेशेंट के लुक से उसकी डिजीज के बारे में इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पोस्चर एंड एटीट्यूड में दो तीन बातें बच्चों इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि हमें पोस्चर एटीट्यूड से डिजीजेस के बारे में पता चलता है। लाइक यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि कुछ एबनॉर्मल गेट्स होते हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से होते हैं। लुक केयरफुली एट द पेशेंट्स पोस्चर इन द बेड, इफ द पेशेंट अनकंफर्टेबल हो और अपना पोस्चर ना चेंज कर सकता हो तो फिर उसकी जनरलाइज्ड मतलब वीकनेस या उसकी कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। पोर्ट साइड्स का मतलब होता है बच्चों के वो पेशेंट्स जिनकी बेड्स, जो उनके आईसीयू बेड्स होते हैं ना, अगर उनकी पोर्ट साइड्स थोड़ी सी एलिवेट हो ना तो इट मीन्स कि वो पेशेंट हेल्दी नहीं है या वो पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, इसीलिए तो उसकी पोर्ट साइड्स थोड़ी एलिवेट की हुई है। रिपल मैट्रस और यूरिनरी कैथेटर आर फर्दर इंडिकेटर्स ऑफ पुअर मोबिलिटी, जिसकी मैंने अभी बात की ना कि अगर कैथेटाइजेशन हुई हुई है, पेशेंट को यूरिन बैग लगा हुआ है या उसका रिपल मैट्रस यूज कर रहा है या पोर्ट साइड्स एलिवेट हैं, तो इट मीन्स कि आपको ये जनरली देखने से पता चलेगा कि पेशेंट का स्टेटस अच्छा नहीं है, पेशेंट हेल्दी नहीं है, पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में है, इसीलिए उसके लिए सारी सेफ्टी मेजर्स की हुई है, ठीक है। कॉन्शियसनेस के लिए जो जीसीएस स्केल है वो मैंने पूरा बता दिया, ये भी उन्होंने उसी तरह इवेल्युएट करके बताया हुआ कि आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और कितने पॉइंट्स होते हैं, मोटर रिस्पॉन्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिजिक में बच्चों हम दो तीन बातें देखते हैं, हम हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं पेशेंट का, ठीक है। हाइट और वेट पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं लाइक कैंसर के अंदर, आपको पता है कि पेशेंट का फर्स्ट स्टेजेस के अंदर जो वेट लॉस है वो बहुत ज्यादा होता है और सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, ठीक है। इसी तरह कैंसर की लास्ट स्टेजेस के अंदर पेशेंट का वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के कुछ स्पेसिफाइड केसेस होते हैं और हाइट से और वेट से हमें पेशेंट की न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी होती है, हमें पता चलता है कि पेशेंट की न्यूट्रिशन प्रॉपर है, डाइट प्रॉपर है या नहीं, जिससे हम पेशेंट को देखते हैं कि वो ओबीस तो नहीं है, वेल नरिश्ड है, टॉल है, शॉर्ट है, ये सारी चीजें हम उसकी फिजिक में देखते हैं, ठीक है। हमें उसके अपेयरेंस से बेसिकली ये सारी चीजें पता चलती होती है। मूवमेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों मूवमेंट्स में आती है कि मूवमेंट्स में ट्रेमर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेमर्स एंजाइटी में हो सकते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म में, अल्कोहल डिपेंडेंस, जो लोग एक्सेसिव अल्कोहल का यूज करते हैं ना तो वो लोग भी, उनको भी ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है। अब ट्रेमर्स जो होते हैं ना बच्चों इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स होते हैं एंड दे आर ऑफ मेनी टाइप्स, ट्रेमर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे उन्होंने कुछ यहाँ पे बताई हुई और मैंने आगे डिस्कस की है, लाइक ट्विचिंग
और मायोक्लोनिक जर्क्स ये यूरिमिया के पेशेंट्स के अंदर होती हैं, ठीक है, जिनमें कोई किडनी का इश्यू चल रहा हो। अब ट्विचिंग और मायोक्लोनिक जर्क्स क्या होते हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। फ्लैपिंग ट्रेमर्स जिसको मतलब एस्टेरिसिस ऑफ हिपेटिक फेलियर और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन मे बी अपेरेंट ओनली व्हेन द पेशेंट आर्म्स आर आउटस्ट्रेच। इसको चेक करने का तरीका ये होता है, फ्लैपिंग ट्रेमर्स में हम पेशेंट से कहते हैं कि वो अपने आर्म्स को आउटस्ट्रेच करे, दोनों हैंड्स को आर्म्स को, जब वो आउटस्ट्रेच करता है यानी आउटस्ट्रेच करने का मतलब है कि स्ट्रेट करे, अपनी एल्बोज को एक्सटेंड करे, जब वो एक्सटेंड करेगा और अपने अपने रिस्ट को बेसिकली हाइपर एक्सटेंड करे और अपनी एल्बोज को एक्सटेंड करे, जब वो ये पोजीशन बनाता है, इसकी भी पिक्चर ऐड है, जब वो पोजीशन बनाता है ना ये वाली, तो उसको उसके हैंड्स लाइक बर्ड्स की तरह ना फ्लैप करना शुरू करते, दैट इज कॉल्ड फ्लैपिंग ट्रेमर्स या एस्टेरिसिस। ये बेसिकली ये टर्म एस्टेरिसिस बहुत पूछा जाता है वाइवा में, बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये होता है क्या। फ्लैपिंग ट्रेमर्स को एस्टेरिसिस कहते हैं, ये उसका सेकेंड नेम है। यहां से कंप्लीट कर लें फिर मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखा दूं, ठीक है। ऑर्डर्स बॉडी ऑर्डर्स होते हैं स्पेसिफिकली, कुछ पेशेंट्स के पास इवन डॉक्टर्स समटाइम्स ये भी कंप्लेन करते हैं कुछ पेशेंट्स के पास बैठा नहीं जा रहा, इवन कीटोएसिडोसिस के पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट्स और वो जिनमें डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें स्किन अल्सर्स बहुत ज्यादा बने हो, ऐसे पेशेंट्स के पास स्टे भी नहीं किया जाता बिकॉज उनमें से स्पेसिफिक बॉडी ऑर्डर्स रिलीज हो रहे होते हैं। अब एक्सेसिव बॉडी ऑर्डर्स कहाँ पे, किन कंडीशंस में, एल्डरली इनफर्म और डिमेंटेड पेशेंट्स के अंदर, अल्कोहल या ड्रग मिसयूज कर रहे हैं, नॉर्मल हाइजीन अगर पेशेंट्स की नहीं है ड्यू टू फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कोई अगर एबनॉर्मल है तो उसमें हाइजीन प्रॉपर नहीं है तब भी ऑर्डर्स आएंगे। स्पेयर लर्निंग डिफिकल्टीज, वही अगेन चीज है कि अगर कोई एपिलेप्टिक चाइल्ड है या अडल्ट है तो उसमें भी ये हो सकता है। सम ऑर्डर्स आर डायग्नोस्टिक, कुछ ऑर्डर्स वो कह रहे हैं कि डायग्नोस्टिक भी हो सकते हैं, लाइक जो लिवर फेलियर का पेशेंट है ना उससे जो है ना थोड़ी सी ये जो माउसी स्मेल ऑफ वोलेटाइल अमाइन, ये स्पेसिफिकली जो स्मेल है ना, ये माउसी स्मेल जो है ना वो थोड़ी सी डर्टी स्मेल में ही आ जाती है, उस तरह की फील होती है। इसी तरह स्वीटनेस ऑफ ब्रेथ डायबिटिक या कीटोएसिडोसिस के पेशेंट्स में आती है, उनकी ब्रेथ के अंदर ना थोड़ी सी स्वीटनेस आ रही होती है क्योंकि उनमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो होती है ना वो बेसिकली ज्यादा हुई होती है और शुगर अब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, तो इसलिए स्वीटनेस की आती है। इसीलिए इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो फैटेड स्मेल है ना बच्चों, फैटेड स्मेल जो होती है ना वो होती है गार्बेज लाइक स्मेल, ये आती है सपुरेशन, क्रॉनिक सपुरेशन का मतलब ये है कि अगर आपके लंग्स के अंदर सपुरेशन का वर्ड जहां पे भी आता है ना उसका मतलब होता है पस, बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में, अगर आपके लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में पस एक्यूमुलेट हो गई है तो उसकी वजह से पेशेंट की समटाइम ऑर्डर ब्रेथ के अंदर उसकी फैटेड स्मेल आएगी, या नेक्रोटिक ट्यूमर्स हैं या कोई स्किन डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर्स, बर्न्स, एलर्जीज, उनमें तो आती है पेशेंट से। फिशी स्मेल ऑफ एनारोबिक बैक्टीरियल वेजिनोसिस, उसमें फिशी स्मेल आती है, तो मतलब ये कुछ ऑर्डर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू बॉडी और कुछ डिजीजेस को सिग्निफिकेंट करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स में होता है जो बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हो, जो फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ हो, या फिर जो अल्कोहल या ड्रग मिसयूज कर रहे हो, या फिर जो ज्यादा अनकॉन्शियस स्टेट में गए, ठीक है, तो ये उन पेशेंट्स में आती है, या फिर स्पेसिफाइड डिजीजेस के अंदर भी हो सकती है। अच्छा, साउंड्स में उन्होंने यही कहा है कि आपने उसकी टंग, लिप, पैलेट, नोज, इंटेग्रिटी ऑफ म्यूकोसा, मसल्स और मतलब बेसिकली उसके लेरिंग्स की नर्व सप्लाई, यानी साउंड्स के लिए सिंपल असेसमेंट होते हैं कि हम पेशेंट से जब उसका नाम पूछते हैं तो अगर वो आपको नॉर्मल बताए तो आपको उसकी टोन नॉर्मल लगे तो मींस के वो ओके है, उसके वोकल कोर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें ये उन्होंने लिखा हुआ कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, लूज डेंचर्स, ड्राई माउथ हो सकती है, तो आपने इन सारी चीजों को देखना है, ठीक है। ड्राई माउथ को जीरोस्टोमिया भी कहते हैं, जीरोस्टोमिया अगर वाइवा में पूछा जाए तो इसको ड्राई माउथ भी कहते हैं, ठीक है। हमने आज दो टर्म्स पढ़ी हैं, एस्टेरिसिस फ्लैपिंग ऑफ ट्रेमर्स को कहते हैं और ड्राई माउथ को जीरोस्टोमिया भी कहते हैं, ठीक है। लिखा अगर ड्राई माउथ, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया कि जीरोस्टोमिया को ड्राई माउथ भी कहते हैं, ठीक है। आपका बिल्कुल माउथ ड्राई होता है, कोई स्लाइवा की प्रोडक्शन नहीं होती। इसी तरह हॉर्नेस ऑफ वॉइस अगर आ रही है तो इन्फेक्टिव लेरिंजाइटिस, लेरिंग्स का इन्फेक्शन हो गया। हैवी स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें बेसिकली उनकी जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सेल्स होते हैं ना उनकी एपिथीलियम के अंदर,
ये हमारी एयरवे की एपिथेलियम के अंदर, वो बेसिकली अपनी फॉर्म चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी आवाज चेंज हो जाती है। और या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज है तो उसमें अगर वोकल कॉर्ड स्पेसिफिकली इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे हॉर्नेस ऑफ वॉइस हमारी कितनी क्रेनियल नर्व्स हैं, उनके खास तौर पर 9th और 10th क्रेनियल नर्व्स की मैनिफेस्टेशन ही यही होती है कि अगर वो खराब हो या उनमें कोई नर्व रूट पे प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, तो हॉर्नेस ऑफ वॉइस, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल इशू में ये कॉन्सेप्ट आता है कि नर्व्स का इशू है, क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने जनरल फिजिकल अपीयरेंस की बात की है, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब हम पढ़ते हैं, अब हम वो स्लाइड देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम बेड साइड से चेक करते हैं क्या पढ़ना। ये बच्चों बेसिकली 2 से 3 डायग्राम्स आप लोगों को दिखानी थी। ये टिटैनी तो बाद में आएगा। ये मसल ट्विचिंग बच्चों होती है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड मसल फेसिकुलेशन। ट्विचिंग में स्मॉल मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है बेसिकली। और अक्सर हम लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमें बैठे बैठे मसल ट्विच हो जाता है, ठीक है, आईज के मसल ट्विचिंग करने लग जाते हैं। तो वो बेसिकली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह कहते हैं कि मसल ट्विच कर रहा है। और ये स्मॉल कॉन्ट्रेक्शंस बॉडी के अंदर होती है, जनरल कॉन्सेप्ट है मसल ट्विचिंग क्या होती है। इसी तरह मायोक्लोनस रेफर्स टू द सडन ब्रीफ इनवॉलंटरी ट्विचिंग और जर्किंग ऑफ अ मसल और अ ग्रुप ऑफ मसल्स। और ये भी क्लिनिकल साइन है, जस्ट लाइक मसल ट्विचिंग की तरह मायोक्लोनस भी होता है, लेकिन मायोक्लोनस में एकदम से सडनली और लेकिन बहुत एक शॉर्ट टाइम के लिए एक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रेक्शन होती है मसल के अंदर और विद इन अ सेकंड वो खत्म भी हो जाती है या फिर वो ग्रुप ऑफ मसल्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। इसके बाद ये बेसिकली एस्टेरिसिस है, फ्लैपिंग ट्रेमर्स। इस तरह अगर हम पेशेंट से कहेंगे ना कि वो अपने दोनों आर्म्स को आउट स्ट्रेच करे, रिस्ट को एक्सटेंड करे, तो उसके अगर पेशेंट के जो ट्रेमर्स है ना वो नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में कभी भी एविडेंट नहीं होंगे। जब हम पेशेंट से कहेंगे ना कि वो अपने हैंड्स को आउटस्ट्रेच करे, ठीक है, यानी अपने रिस्ट को एक्सटेंडेड करे, तो ये ट्रेमर्स उसके शो होने लगेंगे, लाइक उसके फ्लैपिंग ऑफ बर्ड्स की तरह। जैसे बर्ड्स अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं ना, उसी तरह आपके हैंड्स की फिंगर्स फ्लैप करना शुरू हो जाए, ठीक है। और ये एक मोटर डिसऑर्डर है बेसिकली, फ्लैपिंग ट्रेमर्स, या हम इसको एस्टेरिसिस कहते हैं। आप बच्चों हम लोग यहाँ से बेड साइड से हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़नी है। बेसिकली हैंड्स, ठीक है, फिजिक हम लोगों ने पढ़ ली और उसमें हम लोगों ने सारी चीजें देख ली, जनरल अपीयरेंस पढ़ ली, ऑर्डर्स, मूवमेंट्स, ये सारी हमने चीजें देख। अब हम जब मैंने कहा था कि हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना भी है या पेशेंट को जनरल असेस करना है, तो हमने एक सीक्वेंस में चलना। हैंड्स, हम हैंड्स को सबसे पहले एग्जामिनेशन करते हैं बच्चों। हैंड्स में हम नेल्स, फिंगर्स, पाम, इसको हम डिटेल में देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। उसके ऊपर क्या क्या चीजें हम इंस्पेक्ट करते हैं वो अभी हम पढ़ते हैं वन बाय वन, ठीक है। अब बच्चों हैंड्स के अंदर ना हम लोग हैंड्स की स्पेसिफिकली शेप, जो भी मैंने टिटैनी की एक स्लाइड गुजारी थी, बेसिकली टिटैनी के अंदर ये होता है कि आपके जो हाथ है ना वो दोनों हैंड्स वो कर्व्ड हो जाते हैं, ठीक है, यानी हाइपर एक्सटेंडेड कंडीशन में रिस्ट चली जाती है आपकी। और ये नॉर्मली कार्पल स्पैल्स की वजह से होता है और ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपके हैंड्स इस कंडीशन में हों तो वो कार्पल स्पैज्म होता है और समटाइम्स ये फीट को भी इन्वॉल्व कर देती है तो पीडल स्पैज्म भी हो जाता है और उसको कंबाइंड कार्पोपीडल स्पैज्म भी कहते हैं। ये एक टर्म भी यूज की जाती है कि कार्पोपीडल स्पैज्म तब होता है जब कार्पल मतलब आपके हैंड्स भी इन्वॉल्व हों, उनका भी मसल मतलब टिटैनी उसकी कॉन्ट्रेक्शन बहुत ज्यादा, यानी मसल हाइपर कॉन्ट्रेक्टेड हो जाते हैं इन कंडीशन के अंदर। टिटैनी का मतलब ये कि मसल आपका हाइपर कॉन्ट्रेक्टेड हो गया, तो ये कार्पल स्पैज्म में भी हो जाता है और ये आपका अगर आपके फीट्स को इन्वॉल्व करे तो वो पीडल स्पैज्म, और कंबाइन दोनों को हम कहती हैं कार्पोपीडल स्पैज्म, ठीक है। इसी तरह वो कह रही हैं कि हमने जब एग्जामिनेशन करना है तो हमने फोर्थ मेटाकार्पल बोन को भी देखनी है फिर टर्नर सिंड्रोम के अंदर, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है, टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट्स इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन अगर किसी फीमेल की फोर्थ मेटाकार्पल शॉर्ट है तो वो टर्नर सिंड्रोम में है, ठीक है। फोर्थ या फिफ्थ मेटाकार्पल शॉर्ट है तो वो स्यूडो हाइपोपैराथायरायडिज्म के अंदर है। हैंड्स का साइज क्यों इंपॉर्टेंट है, हैंड्स आर लार्ज एंड ब्रॉड इन एक्रोमेगली, एक्रोमेगली में आपके बॉडी पार्ट्स बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको देखने से पता चल जाएगा कि पेशेंट के
हैंड्स भी इनलार्ज्ड है. ट्रेमर्स जिसकी हमने अभी बात की है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेमर्स हो सकते हैं. अब बच्चों रेस्टिंग ट्रेमर्स भी हो सकते हैं, पेशेंट बैठा हुआ है और उसको ट्रेमर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे ट्रेमर्स, यानी हैंड्स उसके ट्रेमर्स शो कर रहे हैं, फीट उसके ट्रेमर, तो वो रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं. कुछ होते हैं इंटेंशनल ट्रेमर्स. इंटेंशनल ट्रेमर ये बेसिकली लिखा नहीं हुआ कहीं भी नर्वस सिस्टम के अंदर, एग्जामिनेशन में इसकी डिटेल है, लेकिन यहाँ मैं दो तीन ट्रेमर्स का इसलिए बता रही हूँ कि अगर वाइवा में पूछ लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंटेंशनल ट्रेमर्स होते हैं ना, वो बेसिकली बच्चों आपको ड्यूरिंग वर्किंग, यानी जब आप कोई काम करते हो ना, जैसे आप कोई चीज पकड़ने लगे हो, आप कोई बुक पकड़ने लगे हो, कोई लैपटॉप पकड़ने लगे हो, जब आप काम करने लगे हो ना, तो ड्यूरिंग वर्किंग वो ट्रेमर्स विजिबल होंगे, ठीक है. रेस्टिंग पोजिशन में वो ट्रेमर्स नहीं होते. तो वन इज रेस्टिंग ट्रेमर्स, अदर इज इंटेंशनल ट्रेमर्स. एक अभी हमने बात की है कि फ्लैपिंग ट्रेमर्स, ठीक है, जिन्हें हम एस्टेरेसिस कहते हैं. फोर्थ वन, आपके कुछ सेनाइल ट्रेमर्स होते हैं. सेनाइल ट्रेमर्स जो बच्चों होते हैं ना, वो ओल्ड एज के अंदर आते हैं, ठीक है. वो ओल्ड एज, आपने अक्सर देखा होगा कि ओल्ड एज पेशेंट्स को ट्रेमर्स उनकी बॉडी में होते हैं, या आपको बैठे बैठे फील हो रहा था कि उनके हाथ वाइब्रेट कर रहे हैं, या उनके लेग्स में लाइट सी वाइब्रेशन हो रही है, या उनकी फीट में वाइब्रेशन हो रही है, वो बेसिकली सेनाइल ट्रेमर्स है, ठीक है. कुछ इडियोपैथिक ट्रेमर्स भी होते हैं जिनकी कोई रीजन नहीं, तो दे आर टर्म्ड एज इडियोपैथिक, ठीक है. तो इस तरह के कुछ ट्रेमर्स हैं. फिर आपने ग्रिप चेक करनी है. हैंड ग्रिप को कैसे चेक करते हैं, आप पेशेंट से कहते हो अपना हाथ उसके मतलब हैंड पे रखते हो, और आप पेशेंट से कहते हो कि जोर से मेरा हाथ प्रेस करे. जब पेशेंट प्रेस करेगा तो आप उसके हैंड ग्रिप चेक कर दो, ठीक है. इसी तरह मसल वेस्टिंग चेक करते हैं. मसल वेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि मसल वेस्टिंग आपकी डिफरेंट जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है. अब ये जो नर्वस सिस्टम है ना, CNS का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें मसल वेस्टिंग का बहुत डिटेल में बताया है कि मसल वेस्टिंग समटाइम्स लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीजेस का एक बहुत बड़ा फीचर होती है. और मसल वेस्टिंग आपके जो बेसिकली जिसे हम कहते हैं ना कि ये हाइपोपैराथायरायडिज्म के अंदर डिजीज के अंदर ये वहां पे भी एविडेंट होती है मसल वेस्टिंग. अच्छा, नेक्स्ट हम बच्चों चलते हैं कि कॉमन साइंस हैंड्स में क्या देखे जाते हैं या नेल्स के अंदर. तो बेसिकली जो कॉमन साइंस है नेल्स में, पैलर, साइनोसिस हमने उस दिन डिटेल में पढ़ा था, ठीक है. काइलोनाइकिया, क्लबिंग और कुछ साइंस है वो आज हम पढ़ते हैं. फिंगर्स में हरबर्डन नोट, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, और फिंगर्स में कुछ और नोट्स भी, वो भी हम आगे डिटेल करते हैं. पाम में पैलर और स्वेटिंग, ठीक है. पैलर हमने पढ़ा था कि हम पेलनेस चेक कर रहे होते हैं, और पाम में स्वेटिंग तो नहीं, वो भी. अब बच्चों नेल्स के अंदर, नेल्स के अंदर जो हम चीजें देखते हैं, पैलर, पैलर हम देखेंगे क्योंकि मार्क वेरिएशन इन द कलर ऑफ नेल्स. नेल्स के ऊपर चेक करेंगे, पेल तो नहीं है. पेल कब होंगे, अनिमिया में. साइनोसिस उसे मैंने कहा था कि ब्लूइश डिसकलरेशन हो जाती है. ये दोनों चीजें उसे डिटेल में डिस्कस हमने कर ली थी. आज जो हमें मेन चीज पढ़नी है वो काइलोनाइकिया है, उसके बाद आगे ल्यूकोनाइकिया आएगा, एक क्लबिंग है. अब बच्चों जो काइलोनाइकिया होता है ना, उसमें नेल्स थिन, ब्रिटल और कॉनकेव लाइक स्पून शेप नेल्स. सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि काइलोनाइकिया क्या है, तो आपने कहना है कि स्पून शेप नेल्स और कॉल्ड काइलोनाइकिया. और काइलोनाइकिया किस डिजीज में होती है, स्पेसिफिकली आयरन डेफिशिएंसी का, ये एक डायग्नोस्टिक फीचर, ठीक है. इसके अलावा किसी डिजीज के अंदर स्पून शेप नेल्स नहीं होते. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का डायग्नोस्टिक फीचर ही है काइलोनाइकिया, ठीक है. तो स्पून शेप नेल्स हो जाते हैं ये, इस तरह उन्होंने ये पिक्चर में. बेसिकली ये पिक्चर है, ये वाली काइलोनाइकिया, ये स्पून शेप नेल्स है बच्चों, ठीक है. क्लबिंग का मतलब क्या होता है, क्लबिंग बच्चों होता है कि लॉस ऑफ एंगल बिटवीन द नेल एंड नेल बेस. ये देखिए नॉर्मल एंगल इस तरह बनता है ना, हम सबका नॉर्मल एंगल है, लेकिन क्लबिंग में क्या होगा कि आपका नेल और आपकी ये नेल बेड जो आपकी फिंगर पोर्शन है ये एक ही लाइन पे आ जाएंगे, उसके दरम्यान में एंगल नहीं होगा कोई. लॉस ऑफ एंगल बिटवीन द नेल एंड नेल बेस या नेल बेड, इट इज टर्म्ड एज क्लबिंग. अब बच्चों क्लबिंग को असेस कैसे करते हैं, उन्होंने कहा है कि आप क्लबिंग को दो तीन मेथड से असेस कर सकते हैं. नंबर वन, एग्जामिनिंग द फिंगर्स फ्रॉम द साइड, आप साइड से फिंगर्स को देख सकते हैं, ठीक है. और आपने ये करना है, एग्जामिनर आपसे कहेगा ना कि पेशेंट के फिंगर्स को इंस्पेक्ट करें, तो आपने ये सारे एक्सप्रेशंस करके देखने हैं कि मैं उसकी साइड से फिंगर को चेक कर रही हूँ या चेक कर रहा हूँ, मैं उसकी क्लबिंग को चेक कर रहा हूँ. और फिर मैं आपको पेपर मेथड बताती हूँ, उससे आपने क्लबिंग को चेक करना है. और मैं आपके
साथ ना इस लेक्चर के बाद एक वीडियो भी शेयर करूंगी जिसमें क्लबिंग को कैसे चेक करते हैं वो उन्होंने एक मेथड बताया था। अब फर्स्ट वन तो हमने ये देख लिया कि हम फिंगर्स को साइड से चेक करते हैं, हम पैल्पेट करके देख सकते हैं नेल को फ्रॉम द डिस्टल एंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ नेल। थर्ड बच्चों हम ये पेपर मेथड है, पीस ऑफ पेपर को रखते हैं अक्रॉस द नेल एंड नेल बेस। नॉर्मली देयर रिमेन एन ओपनिंग बिटवीन द पेपर एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द नेल विच इज एब्सेंट इफ द एंगल इज ऑब्लिट्रेटेड। इसका मतलब ये है कि जब हम नॉर्मली क्या होता है कि जब हम पीस ऑफ पेपर रखते हैं ना इस जगह पर, यहाँ पे एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर रखते हैं, तो नॉर्मली जैसे एंगल बन रहा है तो हमारे पीस ऑफ पेपर में एक छोटा सा हमें होल नजर आता है, ठीक है। वो होल नजर आएगा क्यों? क्योंकि एंगल है प्रॉपर ना नेल और नेल बेड के दरमियान, ठीक है, इसलिए हमें वो पेपर में छोटा सा बिल्कुल एक बारीक सा होल नजर आएगा। लेकिन अगर क्लबिंग होगी तो फिर पेपर में उसमें कोई होल हमें नजर नहीं आएगा बिकॉज हमारा नेल और हमारा नेल बेस सेम पेज पे, ठीक है। इसको हम स्क्रोमोथ साइन भी कहते हैं। अब स्क्रोमोथ साइन आगे उन्होंने पिक्चर में बहुत अच्छा दिखाया हुआ है कि व्हेन टू फिंगर्स आर अप्रोक्सीमेटेड नॉर्मली देयर इज अ स्पेस बिटवीन द टू नेल्स बट इट इज एब्सेंट इन क्लबिंग, ठीक है, कि जब हम दोनों फिंगर्स को अप्रोक्सीमेट करते हैं इस तरह, ये बच्चों स्क्रोमोथ साइन है ये वाला, ठीक है। जब हम दोनों फिंगर्स को, दोनों हैंड्स की इंडेक्स फिंगर को अप्रोच करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास स्पेस आती है दोनों नेल्स के दरमियान में। लेकिन आपने देखा है कि ये अगर क्लबिंग हुई होगी तो क्या होगा कि कोई स्पेस नहीं होगी। इसी तरह पेपर मेथड में भी ऐसे ही होता है। तो इट मींस कि क्लबिंग के दो फीचर्स हैं, दो साइंस हैं जो क्लबिंग को शो करेंगे। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि क्लबिंग के टेस्ट कौन से हैं या उनके साइन कौन से हैं, तो आपने कहना स्क्रोमोथ साइन और सेकंड आपने कहना कि पेपर मेथड है जिसमें हम पीस ऑफ पेपर को रखते हैं तो नॉर्मली क्योंकि एक एंगल की वजह से स्पेस होती है, लेकिन क्लबिंग जिस पर्सन में या पेशेंट में होगी उसमें वो ओपनिंग नहीं होती, उसमें ओपनिंग एब्सेंट होगी। तो दो मेथड्स क्लबिंग को डायग्नोज करते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? मैम स्कैमरिट्स विंडोज भी कहते हैं ना? किसको? जो मैम स्कैमरिट्स साइन है इसमें, इसे विंडो भी कहते हैं अगर नेल्स के दरमियान में विंडो अपीयर होती है। हाँ विंडो भी कहते हैं इसको, कहते हैं इसको विंडो भी कहते हैं क्योंकि दोनों के दरमियान में अगर स्पेस हो गई हो। अच्छा उसके बाद फ्लक्चुएशंस। अब फ्लक्चुएशंस उन्होंने कहा है कि समटाइम्स नेल्स के अंदर, नेल बेस के अंदर फ्लक्चुएशंस भी हो सकती हैं, फिर आपने कर्वेचर चेक करना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्लबिंग है, कोइलोनेकिया है, ठीक है, स्क्रोमोथ साइन है, पेपर मेथड है, और जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे समटाइम्स उन्होंने कहा है कि ड्रम स्टिक लाइक आपकी जो टर्मिनल फेलिंग्स होती है ना फिंगर की वो क्या हो जाती है, बल्बस हो जाती है और इट अपेयरेंस होती है ड्रम स्टिक लाइक, ठीक है। कुछ लोगों की फिंगर्स इस तरह ड्रम स्टिक लाइक होती है तो उनमें बेसिकली ये बल्बस स्वेलिंग हुई होती है टर्मिनल फेलिंग्स की, और ये स्वेलिंग किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, उनको कोई वहां पे उस पॉइंट पे फिंगर पे कोई फेलिंग्स पे कोई चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है, या उनका वहां से कोई लिगामेंट स्ट्रेच कर गया, वो उसकी काफी रीजन हो सकती है। अब बच्चों कॉजेज ऑफ क्लबिंग पढ़ लेते हैं। अब बच्चों क्लबिंग की जो कॉजेज है ना इनके हमने सिर्फ दो से तीन पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए बिकॉज वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉजेज ऑफ क्लबिंग क्या है। तो रिस्पायरेटरी डिजीजेस के अंदर लाइक सपोरेटिव कंडीशन, जैसे मैंने कहा था कि पस्टुरेटेड कंडीशन है वो भी क्रॉनिक, ब्रोंकाइटिस, लंग एब्सेस और इम्पाइमा। इम्पाइमा का मतलब होता है पस इन द लंग, कार्सिनोमा लंग, ठीक है, फाइब्रोजिंग एल्विलाइटिस जिसमें फाइब्रोसिस लंग टिश्यूज की हो जाती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में साइनोटिक हार्ट डिजीजेस, फैलिस टेट्रोलॉजी, इसके अलावा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ये बेसिकली जो फैलिस टेट्रोलॉजी है ना इसमें चार जो है ना वो पॉइंट्स आते हैं, मतलब फोर कंपोनेंट्स का। ये सीबीएस में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे कि इसके अंदर जो होती है ना, एक तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज हो जाती है, आयोटा की इन्वर्जन हो जाती है, इस तरह के फोर मैनिफेस्टेशन पे आती है, इसलिए इसको टेट्रोलॉजी कहते हैं, फोर का कंपोनेंट होता है। तो ये साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर आती है बेसिकली, जिसमें साइनोसिस यानी मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है।
इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस आ सकता है, जीआईटी डिजीजेस के अंदर बच्चों माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, क्रोहन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, प्राइमरी बिलरी सिरोसिस, इसमें से अगर एक दो नाम भी याद रहे तो ठीक है। मिसलिनियस में फैमिलियल और समटाइम्स सूडो क्लबिंग हो जाती है। सूडो क्लबिंग फीचर है हाइपर पैराथायरायडिज्म का, जिसमें रिजॉर्प्शन ऑफ टर्मिनल फेलिंग्स होती है जिसकी वजह से हमें लगता है कि क्लबिंग है। तो उसमें यह है कि आप हाइपर पैराथायरायडिज्म अगर इंस्पेक्ट हो रहा है ना, अगर आपको लग रहा है तो आप उसके दूसरे साइंस भी पूछ, लाइक पेशेंट को स्वेटिंग तो नहीं है या पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ठीक है, और मतलब थायरॉयड सिस्टम से रिलेटेड आप और कुछ उसका उसकी स्वेलिंग को जो है ना वो उसकी किसी बॉडी पार्ट पे स्वेलिंग है, किसी ज्वाइंट पे स्वेलिंग है, वो असेस कर सकते हैं हम थायरॉयड केसेस के अंदर। उसके हम उसके थायरॉयड ग्लैंड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जिसमें उसका गोइटर चेक कर सकते हैं। तो हम अदर इन्वेस्टिगेशन की तरफ फिर वहां मूव करते हैं अगर हमें लग रहा हो कि सूडो केस है, ठीक है। उसके बाद हम फिंगर्स पे क्या देखेंगे, स्क्रोमोट साइन हो गया, ड्रमस्टिक हो गया, स्प्लिंटर हेमरेजेस, बच्चों वर्टिकल हेमराजिक स्ट्रीक्स होती हैं अंडर द नेल्स, और नॉर्मली ये मैनुअल वर्कर्स जो बहुत ज्यादा काम करते हैं ना उनमें देखी जाती है, या फिर ये वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, हार्ट से रिलेटेड एक कंडीशन है, ठीक है, जिसमें आपका जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है ना वो बैक्टीरियल, बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है जो हार्ट को इफेक्ट कर रही होती है एंडोकार्डियम को, ठीक है, और वो उसकी वहां पे अंदर जो उसकी वॉल्स होती है ना उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो एक तो इसका डायग्नोस्टिक फीचर है, दूसरा ये मैनुअल वर्कर्स में होता है, लाइक ये स्प्लिंटर हेमरेजेस इस तरह के होते हैं, स्ट्रीक्स बन जाती हैं नेल्स के ऊपर। ल्यूकोनाइकिया, बच्चों व्हाइट पैचेस होते हैं नेल्स के ऊपर, ठीक है, और ल्यूकोनाइकिया अक्सर हम लोग नॉर्मली भी देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मल पर्सन में भी होते हैं, हम लोगों में भी अक्सर व्हाइट व्हाइट पैचेस नेल्स के ऊपर अपेयर हो रहे होते हैं। तो बेसिकली वो एल्ब्यूमिन का लेवल कम होता है बॉडी के अंदर, एंड इट इज सीन इन द हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया, ठीक है। पिटिंग ऑफ नेल्स, लार्ज नंबर ऑफ पिट्स डेवलप हो जाती है, छोटी छोटी पिट्स होती हैं, और ये पिट्स नॉर्मली भी कुछ लोगों में होती हैं जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, या फिर सोरियसिस स्पेसिफिकली कंडीशन है उसमें भी होती है। अब बच्चों फिंगर्स की बात हो जाती है, ठीक है, फिंगर्स में बच्चों जो हमारे पास चीजें आती हैं वो आती हैं ओज़लर नोड्स, ठीक है। ओज़लर नोड्स कहाँ पे डेवलप होते हैं? Excuse me, ma'am. जी मैम, लेक्चर का टाइम एंड हो गया मैम। हाँ जी, लेक्चर का टाइम तो एंड होने वाला है, लेकिन मेरी ऐसा में ये लेक्चर में स्टार्ट करने काफी हो गया मैम। इसके बाद आपका कोई और लेक्चर है? नो मैम। हाँ तो 1 hour 20 minutes अभी हुए हैं, तो मेरा 45 minutes का टाइम है, अभी 20 minutes हैं जो हमने ये कवर करना है। थोड़ी सी फिंगर्स की मैनिफेस्टेशन आज पढ़ लेते हैं, कि जो वाइटल साइंस हमारा बेसिकली, मैंने आज आपको पल्स रिस्पायरेटरी रेट भी पढ़ाना था, लेकिन चलो वो हम नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं। अच्छा, फिंगर्स की हम मैनिफेस्टेशन जल्दी से पढ़ लेते हैं। ओज़लर नोड्स में बच्चों बेसिकली होता है कि पी साइज पेनफुल स्वेलिंग बन जाती है, कहाँ पर? टर्मिनल फेलेंजेस पे। ये भी अगेन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का फीचर है, और ये वास्कुलाइटिस की वजह से होता है। आपने सिर्फ याद ही रखना है कि ओज़लर नोड्स की फॉर्मेशन पॉइंट कहाँ पे? टर्मिनल फेलेंजेस पे स्वेलिंग्स क्रिएट हो जाती है। अब बच्चों दो चीजें हैं, एक है हर्बर्डन नोड्स, और यहाँ छोटा सा आपकी बेड साइड पे लिखा हुआ है नीचे बुचर्स नोड्स। बच्चों ये दोनों नोड्स ना एक ही तरह के होते हैं, इनमें स्लाइट डिफरेंस है। लाइक जो हमारे हर्बर्डन नोड्स होंगे ना उनपे जो स्वेलिंग्स होती है ना वो टर्मिनल इंटरफ्रेंजियल ज्वाइंट्स पे होती है, जबकि जो बुचर्स नोड्स है ना वहां पे स्वेलिंग्स होंगी प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल ज्वाइंट्स पर, ठीक है। यानी एक में प्रॉक्सिमल इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक में हमारे डिस्टल इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें ये पेट क्वेश्चन है वाइवा का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर्बर्डन नोड्स एंड बुचर्स नोड्स, ठीक है। बुचर्स नोड्स में डिस्टल पे होती है, हर्बर्डन नोड्स पे टर्मिनल, सॉरी हर्बर्डन नोड्स पे डिस्टल पे होती है और बुचर्स नोड्स में प्रॉक्सिमल पे होती है। और हर बर्डन नोड्स जो होती है ना स्पेसिफिकली, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक फीचर है, ठीक है। इसी तरह हमने फिंगर्स पे क्या देखना है? जॉइंट की स्वेलिंग डिफॉर्मिटी कोई, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर उन्होंने कहा कि प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स आपके स्वेलन कर जाते हैं और आपकी फिंगर्स जो है ना वो स्पिंडल शेप्ड हो जाती है, लाइक इस तरह उन्होंने एक पिक्चर भी शो कराई है यहाँ पे। ये बेसिकली बच्चों हर बर्डन नोड्स है। ए में हर्बर्डन नोड्स हैं, ठीक है, और बी में बुचर्स नोड्स हैं, ठीक है। अब दोनों में जो है ना वो इन्वॉल्व
एक में प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स और एक में डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स, ठीक है। ये बेसिकली डिस्टल है और ये हमारे पास प्रॉक्सिमल है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने एक आगे ये पिक्चर दी हुई है, ये वाली पिक्चर स्पिंडल शेप्ड है, ये बेसिकली ये देखें आरए में इस तरह की फिंगर्स हो जाती हैं, स्वेलन प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स बन जाते हैं और फिंगर्स इस तरह की ना थोड़ी सी अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं, ठीक है। इसके बाद अब तक हमने पढ़ा है ऑज़लर नोट्स, हरबर्डन नोट्स, स्पिंडल शेप फिंगर्स क्या होती हैं, विचर्ट्स नोट्स, और अब हम पढ़ते हैं दो तीन टर्म्स। अब बच्चों स्पेसिफिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर अगर पूछा जाए, जैसे अब हम यहाँ पे डिस्कस करें उस लास्ट परफॉर्मा को भी कि जो हमने फिल करना है, अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर जो होता है ना वो तीन चीजें खास तौर पे नजर आती हैं। एक तो उनमें अल्नर डेविएशन होती है, ठीक है, ये इसको मैं पिक्चर भी अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसमें कैसे होती है, अल्नर डेविएशन होती है और मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट्स की सबलक्सेशन हो जाती है। आपके जो फिंगर्स होती है ना उनमें जो मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट्स है ना वो पार्शियली डिसलोकेट हो जाती है, ठीक है। अब बच्चों एक होती है स्पैनक डिफॉर्मिटी और एक होती है बटन होल। जैसे मैंने बुचर्स नोट्स और मैंने हरबर्डन नोट्स में डिफरेंस बताया, इसी तरह स्पैनक और बटन होल डिफॉर्मिटी, अब बटन होल का सेकेंड नेम जो है ना वो बटनियर्स डिफॉर्मिटी भी है, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना कि बटनियर्स डिफॉर्मिटी और बटन होल ये एक ही है और स्वैनक डिफॉर्मिटी एक है। अब डिफरेंस एग्जामिनर्स करते हैं स्वैनक डिफॉर्मिटी और बटन होल डिफॉर्मिटी या बटनियर्स डिफॉर्मिटी में। अब बच्चों स्वैनक डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि आपके जो प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स होते हैं ना प्रॉक्सिमल, उनमें हाइपर एक्सटेंशन होती है और डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स पे फ्लेक्शन होती है, ठीक है। लेकिन बटन होल डिफॉर्मिटी में इससे ऑपोजिट हो जाएगा, आपके प्रॉक्सिमल पे फ्लेक्शन होगी और आपके डिस्टल यानी टर्मिनल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स पे एक्सटेंशन। जब आपकी ये कंडीशन होती है ना तो आप इस कंडीशन और ये स्पेसिफिकली अल्नर डेविएशन, मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट्स की सबलक्सेशन, ठीक है, स्वैनक डिफॉर्मिटी, बटन होल डिफॉर्मिटी, बटनियर्स डिफॉर्मिटी, जी डिफॉर्मिटी ऑफ द थंब। जी डिफॉर्मिटी होती है जिसमें आपका थंब जी लाइक हो जाता है, उसके मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट्स इतने ज्यादा डिस्प्लेस हो जाते हैं कि वो जी लाइक अपीयरेंस करता है। ये चारों चीजें जो है ना ये आरए की प्रेजेंटेशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में ये चारों चीजें होती हैं और ये उसका डायग्नोस्टिक फीचर भी है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? मिस ये स्वैनक और बटन होल का फिर बता दें। स्वैन नेक में और बटन होल में बच्चों ये डिफरेंस है कि जो प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स है ना वहां पे स्वैन नेक में हाइपर एक्सटेंशन होती है और डिस्टल पे फ्लेक्शन होती है, ठीक है, इसलिए इसको स्वैन नेक लाइक कहते हैं, एक नेक बन जाती है। वो अभी मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और बटन होल में क्या होता है कि जो प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है ना उस पर अब एक्सटेंशन नहीं होगी, जिस तरह स्वैन नेक में तो एक्सटेंशन हो रही थी ना, यहाँ पे फ्लेक्शन होगी और टर्मिनल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स पे एक्सटेंशन होगी, ठीक है। इसी तरह बच्चों पाम में, अब बस पाम के दो तीन पॉइंट्स है वो हम पढ़ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं हरबर्डन नोट्स, ये देखें हरबर्डन नोट्स ये है, ठीक है, बुचर्स नोट्स यहाँ पे भी उन्होंने शो करवाया। हरबर्डन में बेसिकली आपके डिस्टल इन्वॉल्व हो रहे हैं, बुचर्स में आपके प्रॉक्सिमल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आपकी स्वैन नेक डिफॉर्मिटी है, ठीक है, ये वाली, ये जो फिंगर है ना ये नेक लाइक अपीयरेंस दे रही है, ठीक है, ये आपकी बटन होल डिफॉर्मिटी है। ये बहुत क्लियर पिक्चर्स और मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी इससे ज्यादा क्लियर पिक्चर्स ऐड की हैं। ये बेसिकली एक आरए का फीचर है कि उसमें बटन होल भी है, स्वैन नेक भी है, अल्नर डेविएशन भी है और ये जरा क्लियर नहीं है वरना ये थंब की जी डिफॉर्मिटी भी आती है। ये आरए का एक पेशेंट का हैंड है ये पूरा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पाम। पाम में बच्चों हम दो तीन पॉइंट्स में मैं इसको ना करती हूँ वाइंड अप कि पाम में हम लोग कलर ऑफ पामर स्किन देखते हैं, पेल हो तो अनीमिया में होगा। पामर अरिथमा में बच्चों दो बातें याद रखनी है कि इसमें आपके जो पाम का कलर है ना वो एक्सट्रीमली रेड हो जाएगा। आपके थिनार मसल्स जो होते हैं वो थंब वाली साइड पे होते हैं, हाइपोथिनार आपके होते हैं लिटिल फिंगर वाली साइड पे, दोनों मसल्स की रेडनेस हो जाएगी और ये फीचर है हिपैटिक फेलियर का, समटाइम्स प्रेगनेंसी में भी होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में भी होता है और ओरल अगर कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी
पेशेंट्स ले रहे हैं तो उनमें भी रेडनेस आती है हैंड्स के अंदर, यानी ये इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है जो होती है. तो आपने इंस्पेक्शन करनी है जब आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करे होना पेशेंट की. स्वेटिंग, स्वेटिंग एक्सेसिव स्वेटिंग तो नहीं पाम पे आ रही, तो वो इडियोपैथिक भी हो सकती है. लेकिन समटाइम्स एंजाइटी की केसेस के अंदर आपका पाम कोल्ड होता है, आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं. और थायरोटॉक्सिकोसिस यानी थायरॉइड से रिलेटेड कंडीशंस में आपके जो इनसाइड स्किन ऑफ द हैंड्स है ना, पामर स्किन, वो बहुत ज्यादा वार्म होती है और इतनी एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तो हमें पेशेंट के हाथ देखने से पता चल जाता है किसको तो कोई थायरॉइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है. तो हम उसका थायरॉइड स्कैन या टेस्ट करवाते हैं. अब ड्यूपिटेंस कॉन्ट्रेक्चर में क्या होता है बच्चों, देर इज थिकनिंग ऑफ द पामर फेशिया. पामर फेशिया की थिकनेस थिकनिंग हो जाती है. बेसिकली फेशिया जब थिकन होगा तो क्या होगा कि वो आपकी, जब फेशिया बहुत ज्यादा थिकन हो जाता है ना तो आपके हैंड में कॉन्ट्रेक्चर्स लेटर ऑन डेवलप हो जाते हैं, लेकिन वो लेट ऑन डेवलप होते हैं. और वो फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्चर ऑफ द फिंगर्स बन जाती है. स्पेशली ये किन फिंगर्स को इफेक्ट करता है, रिंग और लिटर फिंगर को, ठीक है. और ये किस कंडीशन में होता है, अल्कोहलिक सिरोसिस. अब मैं आप लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन में ये सारी पिक्चर्स दिखा देती हूँ और उसके बाद हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं. ये बच्चों बेसिकली कॉलोना की है, स्पून शेप नेल्स, ठीक है. ये बेसिकली क्लबिंग ऑफ फिंगर्स नेल्स हैं, इसमें नॉर्मल एंगल इस तरह होता है, ठीक है, और डिस्टॉर्टेड एंगल हो जाएगा, यानी स्पेस नहीं रहती कोई. ये स्प्लिंटर हेमरेजेस है जो मैंने कहा था कि स्ट्रीक्स बन जाती हैं आपके नेल्स पे, लाइंस बन जाती हैं, ठीक है. इसके बाद ये ल्यूकोनोइकिया है, वाइट पैचेस, ये नेल्स के ऊपर वाइट पैचेस होंगे. ये बेसिकली पिटिंग ऑफ नेल्स, ठीक है, स्मॉल पिट्स डिवेलप हो जाएंगी नेल्स के अंदर. ये आप लोगों के पास प्रेजेंटेशन आएंगी तो उनको जूम करके भी देख लीजिएगा. ये बेसिकली ओए में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में हर्बर्डन नोड्स बनते हैं. तो हर्बर्डन कहाँ पे बन रहे हैं, डिस्टल पे. और बुचर्स कहाँ पे बन रहे हैं, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स पे, ठीक है. ये बहुत क्लियर पिक्चर है. इसी तरह बच्चों ये स्वैन नेक डिफॉर्मिटी और ये बटनियर्स डिफॉर्मिटी. ये बेसिकली बच्चों जी डिफॉर्मिटी ऑफ द थम. ये थम जो है ना वो जी लाइक बन जाता है ऐसे. ये जी डिफॉर्मिटी, स्वैन नेक, बटनियर्स और अल्नर डेविएशन. बेसिकली एक आरए रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट का हैंड है. हाँ, एक टर्म रहती है एरिक्नोडैक्टिली. ये बेसिकली इसमें जो आपके फिंगर्स होती है ना वो बहुत ज्यादा थिन और लॉन्ग हो जाती है. ये बेसिकली उसके अपेयरेंस होती है. उधर हमने एक पॉइंट मिस कर दिया. ये बेसिकली पामर एरिडीमा है, जिसमें मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है हैंड्स के अंदर, एक्सट्रीमली रेड हो जाती है आपके हैंड्स, ठीक है. ये ड्यूपिटेंस कॉन्ट्रेक्चर है जिसमें फेशिया की थिकनिंग हो जाती है. और लेटर ऑन क्या होगा, किस डायग्राम में बताया हुआ है कि वो कॉन्ट्रेक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है. अब ये जो वाइटल साइंस है और ये फेस है, ये फेस है, ये फिर हम इंशाल्लाह, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स. जी स्टूडेंट्स, excuse me मैम, ये जो सारी स्लाइड्स हैं ये मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स भी, वर्ड का डॉक्यूमेंट भी और ये जो बुक का लिंक तो मैंने शेयर कर दिया हुआ है. ये सारी जो चीजें हैं ना ये आप लोगों ने अच्छी तरह रीड आउट कर लेनी है, पढ़ लेनी है. इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ ना तो वो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछेगा. अब इसका तो टाइम अब हमारा होने लगा है कम्प्लीट ऑलमोस्ट, ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम. जी मैम, हमने लॉग बुक 30 जून को सबमिट करवानी है. हाँ जी, लॉग बुक आपने 30 जून तक है, क्योंकि आपका वाइवा स्टार्ट होने से पहले पहले मुझे सबकी लॉग बुक्स चाहिए. तो वो हम अभी देख लेते हैं उसका मेथड ना, नेक्स्ट क्लास में अब हम उसको ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने, मैंने आज मैक्सिमम आप लोगों को पढ़ा दिया. मैम वाइवा आपने खुद लेना है? मैं लूंगी, फैकल्टी बाकी मेंबर्स लेंगे, वो फिर डिसाइडेड होगा कि कैसे भी उसका स्केड्यूलाइज करते हैं. मैम लॉगबुक यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हो गई है. अगर इसमें से कुछ नहीं बच्चों प्रॉब्लम, अगर किसी को भी आ रही है कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि अब क्लास होने लगा है.
मैम आपने लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेज दी थी? हाँ मैंने लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर दी थी मैम, इसकी भी आज ही कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग द लेक्चर। मैम लॉग बुक हमें अल्लाह हाफिज़ मैम।